अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप लोगों के? बस वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है आप लोगों के? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप सुनाए, आप कैसे हैं? जी बारिश हो रही है लाहौर में। महीन टेस्टिंग के बारे में तो बस ठीक है, ले लें फिर आप। अगर उन्होंने वो गेम क्या है, वो कितनी बड़ी गेम है, वो क्योंकि थोड़ा सा बजट है उसका, वो देख लें बस। और बाकी हो सके कि आपका पर्पस क्या है, टेस्टिंग करना चाह रहे हैं गेम्स की, तो टेस्टिंग तो अलाउड है, उसमें कोई इशू नहीं। वालेकुम सलाम। पांच मिनट फॉर वन गेम, 150 मिनट, ऑलमोस्ट 3 आवर्स। देखने को स्किल तो नहीं है ये वैसे, और टाइम ज्यादा है। अब वो 5 मिनट तो वो बोल रहा है ना, जब आप उसे रियल टाइम प्ले करोगे तब पता चलेगा कि उसका क्या सिनेरियो है, उसका क्या नहीं है। तो असल चीज आपके सामने तो तब आनी है, तो देखना पड़ेगा। अब वो गेम वगैरह का एग्जाम्पल है ना, उससे कोई देख के मुझे भी सेंड करें, मुझे भी दिखाएं क्या वो करवाना चाह रहा है। जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। सैरिश मैंने रिप्लाई कर दिया हुआ आपको, मेरे दो आए हुए थे, दोनों को कर दिया हुआ मैंने। आप देखें जरा, आपको रिप्लाई नहीं मिला मेरा। अच्छा मुझे ये बताएं, कल का लेक्चर जो है वो क्लियर है सबको? कोई फायदा हुआ उसका? कुछ चीजें समझ आई हैं उसकी आप लोगों को? सैरिश मैंने रिप्लाई किया है आपको, मुझे आपका बस मेरे माइंड में नाम आ रहा है, दो लोग थे जो पेंडिंग में थे, दोनों को मैंने किया रिप्लाई। बर मैं देख लूंगा। चलें गुड हो गया, अगर आपको उसकी समझ आ गई, उसका फायदा हो गया तो।
अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। अटेंडेंस काइंडली मार्क कर लीजिएगा सब लोग। शहबाज मेरी साइड तो डाउन हो गई थी, याद नहीं आपको? शहबाज देखिए उसमें क्या चीजें मिसिंग है। एक पोस्ट में मिसबाह इमेजेस का कम ज्यादा हो सकती है, पोस्ट की लेंथ पे भी डिपेंड कर रहा होता है ना। पोस्ट कितनी बड़ी लिखी है आपने, छोटी सी पोस्ट 500 वर्ड्स की है तो दो तीन इमेजेस भी या एक इमेज भी अक्सर होता है, दो इमेजेस भी होते हैं, तीन भी होते हैं। अगर पोस्ट बड़ी है या कोई आपने बुलेट्स पॉइंट्स लिख के डिस्कस किया हुआ है या आपने डिफरेंट ब्लॉग्स को डिस्कस किया हुआ है, मतलब नेचर पे डिपेंड करता है किस नेचर की वो ब्लॉग है, वो पोस्ट है, तो उसके ऊपर आप उसके हिसाब से करेंगे जी। कर ऐसे वो करते हुए इंटरनल एक्सटर्नल लिंक हम लोग करते भी हैं और नहीं भी, तो थोड़ा सा क्लाइंट से पूछना पड़ता है ना। क्लाइंट ये भी एक्सक्यूज लेके कल को ये प्रॉब्लम लेके आ सकता है, आपने अपनी किसी साइट के लिंक जो है ना मेरी साइट में ऐड कर दी है, तो इंटरनल एक्सटर्नल लिंक जरा थोड़ा सा पूछ के करना है। हमने बता रहा हूँ ना कि जब क्लाइंट को सारी इन्स एंड आउट्स बताओगे, सब कुछ बताओगे, मतलब डीपली हर चीज उसको उसके साथ शेयर करोगे कि ये चीजें कैसे होती हैं, कैसे काम करती हैं, तो क्लाइंट आप पे ट्रस्ट भी बहुत अच्छा करेगा और आपको परमिशन भी बहुत सारी देगा कि आप सारा काम कर सकते हो, और उसके साथ साथ वो आपको पे भी अच्छा करेगा, आप उससे अच्छी अमाउंट ले सकते हो। स्टार्ट करें जी लेक्चर।
वालेकुम सलाम। सबात जो प्रोफेशनल साइट चला रहा है, जाहिर बात है उसने डोमेन भी परचेज की हुई है, होस्टिंग भी ली हुई है और प्रॉपर तरीके से वो काम कर रहा है, तो प्रोफेशनल उसके पास हर चीज़ होती है। प्लीज एलेबोरेट डिफरेंस बिटवीन लॉगिन डिटेल्स एंड सी पैनल ऑफ वर्डप्रेस। अहमद, वर्डप्रेस जो है ना वो एक स्क्रिप्ट है, ठीक है, जो आपने अपनी वेबसाइट के लिए इंस्टॉल किया और आप उस पर वेबसाइट बिल्ड कर रहे हो। वो एक CMS है, कंटेंट मैनेजमेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, जिसको यूज करते हुए आप वेबसाइट डेवलप कर रहे हो। वो वर्डप्रेस की जगह आप कुछ भी और हो सकता था, ठीक है। जरूरी नहीं है कि वर्डप्रेस ही यूज करें, आप कस्टम भी बना सकते थे, आप उस पर उसे किसी और CMS पे लेके जा सकते थे, वीक्स पे, वीबली पे, शॉपिफाई पे, किसी भी CMS को यूज करते हुए आप वर्डप्रेस डेवलप वो वेबसाइट डेवलप कर सकते थे। तो वर्डप्रेस इज जस्ट अ CMS, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। सी पैनल क्या है? सी पैनल होता है मेन रूट फोल्डर, जहां पे आपकी फाइल्स पड़ी होती हैं। स्टार्टिंग के लेक्चर में मैंने आपको बताया था, डोमेन होता है नाम, सिर्फ आइडेंटिटी होती है। होस्टिंग क्या होती है? वो सर्वर, वो PC जहां पे आपकी साइट की सारी फाइल्स पड़ी हुई है। तो कंट्रोल पैनल जो है ना, वो असल में जिस पर्सन से, जिस कंपनी से आप होस्टिंग ले रहे हो ना, जिस कंपनी से आप सर्वर ले रहे हो, तो वहां पे जो उन्होंने आपका एक फोल्डर बना के जो एक एरिया आपको डेडिकेट किया है ना, वो उसके राइट्स होते हैं डायरेक्टली। तो कंट्रोल पैनल के थ्रू आप वहां पे कौन सी फाइल रखनी है, कौन सी रिमूव करनी है, वो सब कुछ हैंडल करते हो। जैसे मैंने अवार्ड स्पेस तो नहीं किया था, ट्रिपल जीरो वेब होस्ट, उसमें अकाउंट बना के उसमें वर्डप्रेस इंस्टॉल किया था, फिर वर्डप्रेस यूज करना स्टार्ट किया है। तो जो वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन है, सब कुछ है, वो पहला आपका कंट्रोल पैनल के थ्रू ही होता है। तो कंट्रोल पैनल मास्टर एक्सेस है, उसमें जाके अब आपकी मर्जी है, आप वर्डप्रेस उसमें यूज करना चाहते हो वेबसाइट बनाने के लिए, ये नहीं करना चाहते हो। हम वर्डप्रेस यूज कर रहे थे कि इजी टू यूज है, वरना हम शायद वो यूज ना करते, हम कोई और CMS कस्टम बना लेते। तो कंट्रोल पैनल के अंदर सारा कंट्रोल है आपके पास, ठीक है। तो वो मेन रूट मास्टर फोल्डर है, मास्टर एक्सेस है आपके बैकएंड की, जहां पे हर चीज पड़ी हुई है और वहां से आप फुल कंट्रोल कर सकते हो। तो वर्डप्रेस तो जस्ट एक CMS है जो इंस्टॉल किया और उस पर इसलिए किया है कि चलो साइट बनाना इजी है तो हम ये कर लेते हैं। आई होप कि समझ आ गई होगी। शहबाज, उसमें भी ना उस साइट के अंदर यूज्ड वगैरह मैंने कल किया है, तो उसमें अक्सर चीजें नहीं है। आप ना अपना जो आपने एनालिसिस रन किया है, 67 स्कोर आया है, तो वहां पे देखे ना क्या नहीं है, वहां पे उन चीजों को फिक्स करते जाएं तो वो ठीक हो जाएगा। समझ नहीं आ रहा तो वो रिपोर्ट मुझे सेंड करें और मैं आपको बताऊंगा उसमें क्या क्या कुछ उसने बोला हुआ। अटेंडेंस प्लीज सब लोग मार्क कर लें और मैं अब लेक्चर स्टार्ट करने लगा हूँ। लेट मी शेयर माई स्क्रीन, स्क्रीन आपके साथ शेयर हो गई और ये डॉक्यूमेंट मेरे सामने, आपके सामने ओपन है, जिसमें हमने नेक्स्ट आगे लेके चलना है इसको। तो हम लोग डिजिटल मार्केटिंग में थे, हमने SEO स्टार्ट किया, SEO में ऑन पेज ऑफ पेज SEO है, हमने ऑन पेज SEO कंप्लीट किया और अब शॉपिफाई जो है ना, शॉपिफाई की वीडियो आप लोगों के साथ, तो उसमें भी वो थोड़ा सा एक ब्लर वाला इशू आ रहा था, वरना मैंने शायद कल ही अपलोड कर दी होती। तो मैं वो देख रहा हूँ अगर उसका कुछ रिजॉल्व होती है, तो उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि ये सारी चीजें जो हैं, इनमें मेजर मेजर जितनी चीजें भी हैं वो शॉपिफाई के ऊपर कैसे करते हैं। अगर एक वेबसाइट शॉपिफाई पे बनी हुई आ जाए तो ठीक है, तो फिर वर्डप्रेस नहीं होगा। वर्डप्रेस की जगह वो शॉपिफाई को यूज करते हुए वेबसाइट डेवलप की होगी किसी ने, तो फिर शॉपिफाई के लॉगिन वगैरह उसके एडमिन चाहिए और उसमें जाके आप सारी चीजें फिक्स करते हो। तो उसमें कहाँ पे क्या चीज एग्जिस्ट करती है, गूगल सर्च कंसोल कैसे होगा, गूगल एनालिटिक्स कैसे होगा, मेटास कैसे होंगे, इमेज ऑल टैग कैसे होगा, रोबोट साइट मैप, सब के बारे में मैंने वहां पे आप लोगों को एक्सप्लेन किया है एक वीडियो में। तो वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा ग्रुप में। उसके बाद आप शॉपिफाई पे भी काम कर सकते हो, और इतना काम है शॉपिफाई का कि आप सोच नहीं सकते। बिकॉज शॉपिफाई जो है ना, वो डेडिकेटेडली ई कॉम स्टोर जो होते हैं ना, उनके लिए मतलब वो CMS जो है ना स्पेशलाइज है, डेवलप्ड किया गया है, तो वो करना है। उसके बाद अगर आप लोग कहीं पे देखो वू कॉमर्स, अगर आप लोगों ने कहीं पे भी देखा हो ना वू कॉमर्स लिखा हुआ आपके सामने आ जाए, किसी गिग में, किसी जॉब के अंदर, वर्क पे, किसी भी जगह पे, तो वहां पे वू कॉमर्स जो है वो वर्डप्रेस ही है। तो वू कॉमर्स की वजह से हट पीछे नहीं हट जाना कि काम तुमसे होगा नहीं। सिर्फ एक प्लगइन इंस्टॉल हुआ हुआ है वेबसाइट के अंदर वू कॉमर्स का, जो एक आम वर्डप्रेस की वेबसाइट को एक प्रोडक्ट बेस्ड वेबसाइट एक ई कॉमर्स स्टोर के अंदर कन्वर्ट कर देता है। तो वो एक प्लगइन है सिर्फ, सब चीज सेम है, बेसिक सेम है, हर चीज सेम है। तो वू कॉमर्स भी कहीं लिखा हुआ आ जाए तो वर्डप्रेस ही है, आपने उसके अंदर आप उसमें SEO कर सकते हो, उसका काम परफॉर्म कर सकते हो। शॉपिफाई या कोई भी CMS है ना, CMS की वजह से आपने काम नहीं छोड़ना, ठीक है। तो ये आपको बताना था मैंने, ताकि आप लोग माइंड में रखो और बाकी वीडियो आप लोग से शेयर हो जाएगी।
अपवर्क प्रपोजल राइटिंग की और अपवर्क अकाउंट क्रिएशन की वीडियो देख ली है आपने, और मुझे अब आप लोगों के प्रोफाइल्स चाहिए, और आज ही मैं आपके साथ लिस्ट शेयर करने लगा हूँ जिसके अंदर मुझे वो आपने प्रोफाइल लिंक्स कॉपी पेस्ट करके सबमिट करवाने हैं। अच्छा जी, अब स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर। मोहम्मद अहमद, वर्डप्रेस एसईओ अगर वो मांगता है तो वर्डप्रेस के राइट्स जो हैं वो मस्ट हैं, वर्डप्रेस का एडमिन तो हमें चाहिए ही चाहिए। सी पैनल या एफटीपी जो है, सी पैनल बताया था फुल कंट्रोल पैनल है, और एफटीपी उसका लिमिटेड वर्जन होता है जिसमें सिर्फ एक स्पेसिफिक फोल्डर के राइट्स दिए जाते हैं। तो अक्सर लोग सी पैनल नहीं शेयर करना चाहते, तो हम कहते हैं एफटीपी दे दो। क्यों लेते हैं? जस्ट इन केस अगर हमारा काम करते हुए स्पीड फिक्सेस कर रहे हैं, कोई हमने कैशे प्लगइन किया है जिसका डब्ल्यूपी फास्टेस्ट कैशे था, कोई इशू आ गया है, कोई प्रॉब्लम आ गया साइट में, कैनोनिकलाइजेशन को हमने जो WWW वर्सेस NTDD रिडायरेक्शन था वो लगाना पड़ा हमें, वो लगाया, कोई प्रॉब्लम आ गया साइट में, साइट डाउन हो गई है, वर्डप्रेस ओपन नहीं हो रहा, तो क्या करेंगे? एफटीपी या कंट्रोल पैनल होगा ना, तो हम उसमें बैकएंड पे जाके जो काम हमने किया होता है उसको रिवर्ट कर देते हैं, तो साइट वापस आ जाती है, इसलिए हम लेते हैं। जी इंशाल्लाह सिखाऊंगा जी। गूगल सर्च कंसोल के लिए, उसके राइट्स देने के लिए उसका जीमेल चाहिए आपको, उसका अकाउंट चाहिए, सिर्फ और सिर्फ ईमेल। अच्छा, अभी हम बात करते हैं ऑफ पेज एसईओ की। ऑफ पेज एसईओ, ऑफ साइट एसईओ, बैक लिंक्स, लिंक बिल्डिंग, ये चारों नाम आप सुनेंगे डिफरेंट जगहों पे, तो आपको समझ आ जानी चाहिए कि असल में बात क्या हो रही है। ये आपके एक ही चीज के चार नाम है, ठीक है? तो कुछ भी आपको लिखा हुआ कहीं नजर आ जाए, ये एक ही बात है। अब ये होते क्या है, मैंने खैर पहले से यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में भी एक थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था कि ऑन पेज एसईओ जो है वो है टेक्निकल काम, वो काम है जो आप ऑन साइट एसईओ, ऑन पेज एसईओ, आप साइट के साथ, पेज के साथ इन्वॉल्व होके डायरेक्टली उसके अंदर चीजें इंप्लीमेंट करते हो, गुड प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करते हो, तो चीजें अप्लाई कर रहे हो, जैसे मेटाज अप्लाई किए, हेडर्स अप्लाई कर रहे थे, इमेजेस ऑल टैग्स लगा रहे थे, तो साइट के साथ डायरेक्टली हम इन्वॉल्व होके काम कर रहे थे, इस वजह से उसको टेक्निकल बोलते हैं कि वेबसाइट में लॉग इन करके हमें वो सारा काम करना पड़ता है। तो ऑन पेज एसईओ था टेक्निकल काम, और ऑन द साइट जो साइट के ऊपर काम होता है, जो उसके साथ डायरेक्टली आप काम काम करते हो, चेंजेस करते हो, वो सारा आपका ऑन पेज एसईओ में आता है। अब ऑफ पेज एसईओ क्या है? ऑफ पेज एसईओ है ऑफ द साइट, ऑफ साइट एसईओ, ऑफ द साइट, ऑफ द पेज। इसमें होगा क्या कि आपकी साइट बन चुकी है, ये देखिए मैं बैच 10 वाली ओपन करने लगा हूं, ये तो ओपन होनी नहीं चाहिए, बैच 10। ठीक है, तो आपके पास साइट बनी हुई है, साइट बन चुकी हुई है, ऑन पेज एसईओ उसकी हो चुकी हुई है, आपने बड़े पेजेस वगैरह हर चीज जो है ना उसको प्रॉपरली ऑप्टिमाइज कर दिया हुआ है, सब कुछ कर दिया हुआ है। अब बात आती है प्रमोशन की। ये मुझे ना 9, मैं चाह रहा हूँ कि उसी तरह की लुक वाला वो एक आधी पोस्ट की हो, वो वाली चीज हमारे सामने आ जाए, ये सारे टेस्ट आ रहे हैं, रोजगार बैच 9, बड़ी साइट्स बनाई है मैंने इन पे। जिस पे भी थीम लगा हुआ है, सारा ब्रेक हुआ हुआ है। चलो यार सपोज कर लेना, मैं बस ना 10 ऊपर वापस ले आता हूँ। चलो, तो अब ये साइट बन चुकी है, ऑन पेज एसईओ हो चुकी हुई है, सब कुछ आपने अपनी तरफ से ओके कर दिया हुआ है। मैं यहाँ पे देखता हूँ कि मेरे पास एक ब्लॉग पोस्ट है जिसमें पड़ी हुई है, जो मैंने पब्लिश की थी, जैसे आप लोगों को पब्लिश करके दिखाई थी, तो हम लोग वो पोस्ट ओपन कर लेते हैं। तो एक पोस्ट की मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वो आप उसका मतलब है कि सपोज हम एक पोस्ट कर रहे हैं, जितनी भी पोस्ट होंगी, जितने भी आर्टिकल्स होंगे, पेजेस होंगे जो किसी स्पेसिफिक कीवर्ड के लिए आपने ऑप्टिमाइज किए हुए हैं, उसको अब हमारा मेन गोल है उसको रैंक करना उस स्पेसिफिक कीवर्ड के लिए, तो असल काम हमारा फिर वहां से स्टार्ट होता है। तो ये मेरे पास एक एक यहाँ पे आर्टिकल है जो पब्लिश हुआ हुआ है, मैं उसको ओपन कर लेता हूँ और मैं बताता हूँ कि अब उसके ऊपर ऑफ पेज एसईओ वाला काम कैसे होता है। तो हम लोगों ने ये पोस्ट बनाई थी यहाँ पे, जिस तरह आप लोगों के बैच में बनाई है मैंने, बिल्कुल सेम उसी तरह से, ये भी ट्रैवल के रिलेटेड थी, आ वाली भी ट्रैवल के रिलेटेड थी। तो जितने भी पेजेस पोस्ट आपकी वेबसाइट पे होंगे जो स्पेसिफिक कीवर्ड्स के लिए ऑप्टिमाइज किए होंगे, जाहिर बात है ना, हर पेज हर पोस्ट एक डिफरेंट थीम पे, एक डिफरेंट टॉपिक पे होगा, इसलिए उसका कीवर्ड भी डिफरेंट होगा उसके कंटेंट की बेस पे, और उसको अलग अलग आपने ऑप्टिमाइज किया होगा। तो अभी हम लोगों ने वो चीज देखनी है कि आप उसकी, अब असल में थोड़ा सा आपको बताना है कि किस तरह से हम उसको फिर प्रमोशन करते हैं और उसको आगे लेके चलना है।
इसलिए मैं उस पोस्ट को ओपन कर रहा हूँ। तो ये पोस्ट है जिसको ओपन करने के लिए मैं आया हूँ। अब साइट के अंदर लॉग इन नहीं हो, कुछ भी नहीं हो, साइट वाला काम हो चुका हुआ है। फॉर एग्जाम्पल ये एक पोस्ट है 10 Best Places to Visit in New York। अब इसमें प्लेसेस टू विजिट इन न्यूयॉर्क जो कीवर्ड था आपका, आपने कीवर्ड को टाइटल में यूज कर दिया, आपने इमेज ऑल टैग में यूज कर दिया, आपने उसमें हेडर H2 में यूज कर दिया, आप लोगों ने उसको ऑल ओवर द आर्टिकल भी स्प्रेड कर दिया, सब कुछ आपने कर दिया है। तो ऑन पेज वाइज तो ये सब परफेक्ट हो गया है। टेक्निकल एरर्स जो पूरे आपकी साइट साइट वाइड इश्यूज होते हैं वो भी फिक्स कर दिए, 404 भी हो गया, साइट मैप भी हो गया, रोबोट्स भी हो गए, सब कुछ आपने कर दिया है। अब आपने प्रमोशन करनी है, अब आप रैंक करना चाहते हो। जब ये इतना सा काम आप कंप्लीट कर लोगे ना, इंक्लूडिंग कंटेंट, जो कुछ मैंने बोला है, जो कुछ अभी तक हमने किया है ऑन पेज एसईओ में, अगर वो कर लिया है, तो उसके बाद भी हो सकता है कि अगर आपका कीवर्ड जो है ना वो बहुत ज्यादा कंपेटिटिव नहीं है, तो आप प्लेसेस टू विजिट इन न्यूयॉर्क जो है इसको कॉपी करके पेस्ट करो गूगल पे और चेक करो इसकी रैंकिंग। तो शायद आपको कहीं 7वें 8वें 9वें पेज पे, 5वें पेज पे, 6ठे पेज पे, 4थे पेज पे, कहीं ना कहीं पे आपको ये नजर आ जाए, ये इसकी रैंकिंग आ भी जाए, लेकिन एक लिमिट तक आएगी, 3रे 4थे 5वें 6ठे पेज पे आएगी, उससे आगे भी तो लेके आना है। हमारा तो गोल है कि हमें जब कोई पर्सन प्लेसेस टू विजिट न्यूयॉर्क टाइप करे गूगल में तो फर्स्ट पेज के ऊपर हम लोग आए। तो यहाँ पे मैं अगर आपको दिखाऊं, अगर ये कोई टाइप करता है, हमारा जो गोल है प्लेसेस टू विजिट इन न्यूयॉर्क, ये जब कोई टाइप करे तो ये जो फर्स्ट पेज के रिजल्ट आ रहे हैं ना, इसके अंदर हमें आना चाहिए, हमारा ये मेन गोल है। आप लोगों ने ऑन पेज एसईओ कर दी, कंटेंट बड़ा अच्छा लिख दिया, इंटरनेशनल लिंक्स हर चीज आपने परफेक्ट कर दी, तो रोबोट साइट मैप सब कुछ इन प्लेस है, और आपने एक आधा वीक वेट किया, जैसी नई चीजें इंडेक्स हुई, आप अगर चेक करते हो रैंकिंग, आपको पता लगता है कि 9th पेज के ऊपर हमारी साइट आ गई है। मैं सपोज कर रहा हूँ कि टॉप 100 रिजल्ट्स के अंदर हमारी साइट आना स्टार्ट हो गई है, 9th पेज के ऊपर ये 76 नंबर पे, 77 नंबर पे जी हमारी वेबसाइट आ रही है। फॉर एग्जाम्पल मैं सपोज कर रहा हूँ, यहाँ पे बस फीड है आ नहीं रही, मैं सपोज कर रहा हूँ यहाँ पे आपकी साइट आ गई। अब आपने उसको यहाँ 9th पेज से उठा के फर्स्ट पेज पर तक भी तो लेके जाना है। चलो ऑन पेज ने बड़ा अच्छा काम किया, ऑन पेज ने ये कर दिया कि ऑन पेज ने कहीं पता नहीं कहाँ पड़ी हुई थी आपकी साइट, वहां से निकाल नकूल के वो आपको टॉप 100 के अंदर लेके आ गया। हो सकता है टॉप 100 में ना भी लाए, हो सकता है कि 9th की बजाय वो आपको, अगर कंपटीशन लो कीवर्ड्स का, तो आप अक्सर देखेंगे कि आप 3रे 4थे पेज के ऊपर पहुंच भी जाओगे। सिर्फ ऑन पेज एसईओ की है, ऑन पेज एसईओ की बहुत ज्यादा पावर है, मैंने बोला था, इसलिए 70 to 80% इसके ऊपर आप रिलाई कर रहे होते हैं। अगर ये काम ठीक नहीं है तो ऑफ पेज जितनी मर्जी करते रहो, आप अब रैंक नहीं हो सकते, ठीक है। तो हो सकता है 4th पेज पे भी आ जाए, बट द थिंग इज कि हमें तो लाना है फर्स्ट पेज पे। तो 4th पेज पे इसलिए आई है कि हम लोगों ने जो 4th पेज तक बाकी रिजल्ट्स थे ना, उन सबको बीट कर दिया है, हम उन सबसे अच्छे हो गए हैं ऑन पेज स्कोर के अंदर, ओवरऑल स्कोर के अंदर हमने इम्प्रूव, उनसे बेहतर परफॉर्म किया है, इस वजह से गूगल ने हमें यहाँ पे 4th पेज पे शो किया है। अब जो बाकी से ऊपर रह गए हैं ना, वो लोग हैं जो हमसे ज्यादा अच्छे हैं, और उनसे ज्यादा अच्छा बनना पड़ेगा, उनसे ज्यादा स्कोर करना पड़ेगा, तब हम उनसे ऊपर आएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, ये ऑन पेज तो बिल्कुल परफेक्ट हो गई है, तो ऑफ पेज में अब हम लोग लैग कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक हमने ऑफ पेज कुछ भी नहीं की, ना कोई बैक लिंक्स लगाए हैं, ना कोई मैंने अपनी साइट को कहीं पे शेयर किया है, कुछ भी नहीं किया। तो अब मेरा वो टर्न आता है, मैं इवन के चेक भी कर सकता हूँ मेरे कंपेटिटर्स जो है ना वो क्या कर रहे हैं और मैंने क्या किया है और मैं कहाँ लैग कर रहा हूँ, तो वो चेक भी किया जा सकता है। वो चेक करना भी मैं आपको बताऊंगा, जिस तरह मैंने आपको ऑन पेज एसईओ के ऑर्डर टूल्स बताए हैं। तो बहरहाल मैं अभी आपको कॉन्सेप्ट ये दे रहा हूँ कि साइट आपकी 4th पेज पे आ गई, फॉर एग्जाम्पल मतलब साइट ये वाला आर्टिकल 4th पेज पे आ गया, अब इसको फर्स्ट पेज तक लेके जाना है। तो ऑन पेज तो सारी ओके हो चुकी है, अब बारी है ऑफ पेज की। ऑफ पेज क्या है, ऑफ पेज ये है कि मैं अपने इस लिंक को उठाऊंगा और मैं इसको वेब के ऊपर डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर प्रमोट करूंगा, वेब प्रेजेंस बनाऊंगा ये लिंक उठा के। फॉर एग्जाम्पल आप फेसबुक पे शेयर कर देते हो, तो वो भी आपने फेसबुक पे शेयर कर दिया ना, गूगल तो फेसबुक को भी देख रहा है, जब फेसबुक पे जाएगा वहां देखेगा कि ये लिंक शेयर हुआ हुआ है, तो क्या करेगा गूगल, करेगा गूगल को अपने रिकॉर्ड में ऐड कर लेगा कि फेसबुक के ऊपर फलां लोकेशन के ऊपर ये वाली साइट का ये वाला लिंक वहां पे विजिबल हुआ हुआ है। तो वो आपको एक सोशल सिग्नल देगा, एक सोशल लिंक देगा, कि एक सोशल मेंशन है, वो ये वो कंसिडर करेगा कि इस साइट का, मेरी इस साइट का, इस आर्टिकल का एक सोशल मेंशन है फेसबुक के ऊपर। वो ट्विटर पे देखेगा, ट्विटर का रिकॉर्ड कर लेगा, ठीक है, कि वहां से एक सिग्नल आ रहा है। वो इंस्टाग्राम पे देखेगा तो वहां से रिकॉर्ड कर लेगा, जहां जहां वो आपको पब्लिश हुआ देखेगा वहां से रिकॉर्डिंग कर लेगा कि यहाँ यहाँ ये साइट का लिंक पड़ा हुआ है। किसी आर्टिकल बेस्ड वेबसाइट किसी और पे देखेगा, किसी ब्लॉग पे देखेगा, किसी जिस जिस वेबसाइट पे भी देखेगा, दिखता जाएगा और अपने पास काउंट में रिकॉर्ड में ऐड करता जाएगा कि ये वाला लिंक इतनी जगहों पे, 10 जगहों पे, 20 जगहों पे, 30 जगहों पे ये वाला लिंक एग्जिस्ट कर रहा है। और फिर वो देखेगा कि वो जो 10 प्लेसेस हैं वो खुद कैसे हैं, उनकी अपनी अथॉरिटी क्या है। सीधी बात है कि जहां पे आप वो लिंक लगा रहे हो, जहां पे आपने ये लिंक मेंशन किया है, शेयर किया है,
उसका अपनी अपना स्टेटस क्या है, उसकी अपनी क्रेडिबिलिटी क्या है, वो ऐसी जो ऐसा ना हो कि जहाँ पे उसकी अपनी कुछ ना चलती हो, कोई लो क्वालिटी सी साइट हो जिसकी अपनी कोई नहीं सुनता और आपने वहां पे जाके अपना लिंक ऐड कर दिया है, तो आपको भी कोई अच्छे तरह से नहीं सुना जाएगा, मतलब आप भी फिर मतलब वैसे ही, वो भी वैसा है और आप भी वैसे ही हो गए हैं, तो उसकी बात को इतनी वेटेज नहीं दी जाएगी। वेटेज उसकी बात की दी जाएगी जिसकी अपनी क्रेडिबिलिटी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोग न्यूज पढ़ना चाहते हैं तो आप गूगल पे जाते हो और गूगल पे जाके न्यूज सर्च करते हो, जैसे यहाँ न्यूज अपडेट्स, ठीक है, मैं ये लिखता हूँ यहाँ पे आके गूगल पे अपडेट्स, मैं यहाँ पे साथ पाकिस्तान न्यूज अपडेट्स, ठीक है जी, मैंने सर्च किया, जियो आ रहा है, ARY आ रहा है, उसके बाद डॉन आ रहा है, फिर उसके बाद द न्यूज डॉट कॉम डॉट पीके आ रहा है, समा टीवी आ रहा है, दुनिया टीवी आ रहा है, मैं पेज नंबर 10 पे चला जाता हूँ तो यहाँ पे भी तो लोग तो आ रहे होंगे, ये देखें ये भी आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन आप लोग हमेशा हमेशा कोई भी न्यूज सर्च करेंगे ना, बेशक न्यूज वैसे लगा के देख लेना, कोई न्यूज मेंशन करके सर्च कर लेना, तो क्या होगा कि टॉप पे जो है ना आपके पास यही साइट्स नजर आएंगी, आपको जियो वगैरह हो गया, ARY हो गया, ये सब हो गए, जो रिजल्ट आपको 10वें पेज पे नजर आ रहा है आप वहां जाके पढ़ लो, वहां पे भी वही न्यूज होगी, और जो आप फर्स्ट पेज पे आपको रिजल्ट नजर आ रहा है आप वहां जाके पढ़ लो, वहां पे भी वही न्यूज होगी, बट गूगल क्रेडिबिलिटी की बेस के ऊपर रैंक करेगा, तो वो कहेगा भाई जियो की अपनी क्रेडिबिलिटी है, मुझे इसको रैंक करना है टॉप पे, ठीक है, मुझे ARY को रैंक करना है क्योंकि ARY की क्रेडिबिलिटी है, एक अथॉरिटी है उसकी, तो वो बाकी लोग जो आम बंदा, मैं आज एक वेबसाइट बना लूं न्यूज की और मैं उसके ऊपर न्यूज पब्लिश करना शुरू कर दूं, न्यूज मैं सेम पब्लिश करूंगा जो ARY ने की है, जो जियो ने की है, बट जब उस न्यूज को लोग यहाँ पे सर्च करेंगे ना, तो लोगों को मैं नहीं नजर आऊंगा, लोगों को ARY और जियो नजर आएगा, क्यों नजर आएगा, क्योंकि उनकी क्रेडिबिलिटी है, उनकी अथॉरिटी है, मेरी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, मेरी कोई अथॉरिटी नहीं है, मैं तो आ जाया हूँ, ठीक है, इनको तो लोग जानते हैं, नाम से जानते हैं, तो ये ब्रांड है, ये ब्रांड्स हैं अपनी फील्ड के अंदर, इस वजह से गूगल को पता है कि कोई भी न्यूज किसी ने भी शेयर की हुई है, लेकिन ज्यादा अथेंटिसिटी इसकी न्यूज में है, इस वजह से वो इनको टॉप रैंक पे, अच्छे रैंक पे शो करता है। तो जब हम नए आए हैं तो हमें तो कोई नहीं जानता, तो हमें अपनी मार्केट वर्थ बनानी पड़ेगी, हमें क्रेडिबिलिटी बनानी पड़ेगी, हमें अथॉरिटी बनानी पड़ेगी, वो बनेगी ओवर द टाइम। अब फॉर एग्जाम्पल ये एक आर्टिकल है, मैंने न्यूज की वेबसाइट ही बोल दी आपको, अब इस न्यूज की वेबसाइट को या ये जो भी साइट मेरी है, इस साइट को रेलिवेंट प्लेसेस मतलब ट्रैवल इंडस्ट्री के अंदर जो बड़ी बड़ी साइट्स हैं, अगर वो मुझे मेंशन करना शुरू कर दें, मतलब वहां पे उन्होंने कोई आर्टिकल लिखा हो तो मुझे मेंशन कर दिया हो कि इसने यहाँ पे एक्सटर्नल लिंक लगा दिया हो मेरे लिए, और डिफरेंट प्लेसेस पे आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं, कमेंट्स हो रहे हैं, कहीं पे भी कोई बात हो रही है, तो लोग जो हैं या वो पर्सन जो है वो मेरे किसी आर्टिकल को, मेरे इस आर्टिकल को मेंशन कर जाता है वहां पे, तो गूगल क्या करेगा, गूगल आएगा, गूगल कहेगा, फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जियो ने मैंशन किया हुआ है इस साइट को, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, गूगल कहेगा जियो खुद कैसा है, इसकी अपनी क्या क्रेडिबिलिटी, क्या अथॉरिटी है इसकी, अगर इसकी अथॉरिटी अच्छी है तो गूगल उसको सीरियस लेगा कि इतनी बड़ी वेबसाइट ने अगर इस साइट को मेंशन कर दिया है तो इसमें कोई ना कोई बात जरूर होगी, तो वो उस लिंक को बड़ा स्ट्रांगली उसको एक एज अ वोट कंसिडर करेगा और आपको एम्पावर करेगा, आपकी साइट को एम्पावर करेगा। आपने अब फिर ARY पे भी एक लिंक लगवा लिया या लगा लिया, कोई उन्होंने न्यूज पोस्ट की, कोई आपके बारे में कोई आर्टिकल पब्लिश किया और उसके अंदर आपको मेंशन कर दिया, गूगल कहेगा ARY भी इसको मेंशन कर रहा है, जियो ने भी किया हुआ था, तो जितनी इसकी वर्थ है इसके अकॉर्डिंगली आपको और ज्यादा एम्पावर करेगा। फिर देखते हैं आप डॉन पे भी मेंशन हुआ हुआ है, डॉन पे जब गूगल देखेगा, गूगल कहेगा डॉन पे भी मेंशन है, इसकी अपनी बड़ी अच्छी क्रेडिबिलिटी है, तो इस बात को भी सीरियस लेगा और आपको इस लिंक को एम्पावर करेगा, गूगल जब देखेगा कि इतनी बड़ी बड़ी साइट्स इसको मेंशन कर रही हैं तो वो उसे एज अ वोट कंसिडर करेगा और आपके जो लिंक को एम्पावर करेगा और वो आपको चांस देगा, इसको ऊपर लेके आओ, इसको लोगों को दिखाओ, इसके अंदर कोई ना कोई बात तो है जो इसको डिफरेंट साइट्स मेंशन कर रही हैं, तो जब डिफरेंट साइट्स मेंशन कर रही हैं तो हम इसको फर्स्ट पेज पे क्यों ना शो करें, हमें भी इसे इसको फर्स्ट पेज पे शो करना चाहिए, लोगों को डायरेक्टली दिखाना चाहिए, लेट्स सी कि गूगल किस तरह, लोग जो हैं वो किस तरह से बिहेव करते हैं, तो गूगल आपको चांस देगा, फिर जब आप चांस देगा फर्स्ट पेज पे लाएगा आपको, और वहां पे जब विजिटर्स आपके साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट करेंगे, आपकी साइट पे लैंड करेंगे, तो अगर वो स्टे करते हैं, वो भी वहां पे टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो गूगल कहेगा ये वाकई ही ये लिंक जो है वो एक अच्छी अथॉरिटी का लिंक है, एक अच्छी क्रेडिबिलिटी की साइट है, तो मुझे इसको अपनी लिस्ट के अंदर, अपनी डेटाबेस के अंदर गुड साइट्स की लिस्ट में ऐड कर देना चाहिए, तो वो आपको मूव करके गुड साइट्स में ऐड कर देगा, और जहां पे फिर उसके बाद से
ये बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन न्यूयॉर्क जैसे मैंने लिखा है, ये मैंने लिखा है और बेशक 1,000 लोग और लिखते हैं। अगर मेरी मैं गुड लिस्ट में हूँ, मेरी क्रेडिबिलिटी ज्यादा है, तो गूगल इस कीवर्ड के लिए फर्स्ट पेज पे मुझे पहले रैंक करेगा, फिर मेरे साथ उन लोगों को रैंक करेगा जो गुड लिस्ट के अंदर है। जो नए हैं, जिनकी क्रेडिबिलिटी मेरी जितनी नहीं है, वो बाद में, वो तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें पेज पे इस तरह से आपको नजर आएंगे। तो अभी असल में बात ऑफ पेज एसईओ के अंदर क्या है, वोट कलेक्ट करने हैं, वोट कलेक्ट करने हैं और अच्छे अच्छे वोट कलेक्ट करने हैं, अपनी वेब प्रेजेंस बनानी है, डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर जाके अपनी अपनी जो लिंक्स हैं अपनी साइट्स को पोस्ट करना है, वहां पे मेंशन करना है, करना है या करवाना है, जैसे भी आपसे हो। गूगल को नहीं पता आपने खुद किया है जाके या करवाया है किसी ने, या पैसे देके किया है, फ्री में किया है, जैसे भी किया है, गूगल को नहीं पता। गूगल को बस ये पता है कि जियो ने मेंशन कर दिया है, बस वो मेंशन कर दिया है तो गूगल उसको सीरियस लेगा। तो हम लोग क्या करते हैं ऑफ पेज एसईओ के अंदर, अब काम जो ऑन पेज वाला था वो हो गया, अब अपने लिंक्स उठाते हैं और लिंक्स को प्रमोट करना स्टार्ट कर देते हैं ऑल ओवर द वेब, और उन साइट्स के ऊपर जो अच्छी अथॉरिटी की हैं, क्रेडिबल साइट्स हैं एंड एट द सेम टाइम रेलिवेंट है, रेलिवेंट है, रेलिवेंसी इज द की। तो ये जो प्रोसेस है ऑफ पेज एसईओ, इसमें लिंक प्रमोशन का प्रोसेस है, वोट कलेक्ट करने का प्रोसेस है, और इसमें दो चीजों को कंसिडर करना होता है कि हम जहां पर जाके अपनी साइट का लिंक शेयर कर रहे हैं, अपनी किसी पोस्ट का लिंक शेयर कर रहे हैं, वो साइट खुद कैसी है, उसकी अपनी क्रेडिबिलिटी अथॉरिटी क्या है, उस अथॉरिटी को चेक करने के लिए कुछ मैयज होती हैं जो मैं आपको बताऊंगा। सेकंड चीज, वो साइट रेलिवेंट हो या उसके अंदर कोई ना कोई रेलिवेंसी हो आपके साथ, उसके अंदर कोई कैटेगरी बनी हो, या तो वो पूरी साइट ही रिलेटेड हो आपके, या उसके अंदर कोई कैटेगरी हो जो आपके रिलेटेड है जिसमें जाके आप इस चीज को मेंशन कर रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप मेडिकल की साइट है और वहां पे म्यूजिक का जाके सॉन्ग्स का लिंक मेंशन शुरू करना शुरू कर दें, और सॉन्ग्स की वेबसाइट है और वहां पे आप जाके मेडिकल की जो चीजें हैं वो आप वहां पे पब्लिश करना शुरू कर दें, वो स्पैम होगा। गूगल को पता लग जाएगा कि ये तो गड़बड़ हो रही है, ये कुछ पता नहीं किस तरह से मेंशन करवा रहे हैं, इनका आपस में कोई लेना देना ही नहीं है, और ये किस तरह से यहाँ पे मेंशन की जा रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, अपने लिंक्स उठाते हैं और उनको प्रमोट करना स्टार्ट करते हैं, और प्रमोट कहाँ पे करते हैं, रेलिवेंट प्लेसेस के ऊपर और अच्छी अथॉरिटी के प्लेसेस के ऊपर। अब रेलिवेंसी क्या है, तो वो तो आपको साइट देख के पता लग जाएगा कि ये मेरे से रेलिवेंट है या नहीं है। जैसे ये ट्रैवल नीश है, तो ट्रैवल के रिलेटेड कौन सी साइट है और कौन सी नहीं है जो इसे रिलेट कर सकती है, और जो क्रेडिबिलिटी अथॉरिटी है उसके लिए कुछ स्टैटिस्टिक्स हैं जिसको हम लोग मेजर करते हैं और उस पर बात करते हैं। तो ये एक ना ब्रीफ सा कॉन्सेप्ट था, अगर आपको समझ आ जाए वाई। अगर वर्डप्रेस काशिप डाउन हो गया तो फिर एफटीपी या सीपैनल चाहिए, उससे रिवर्ट होगा। वीडियो चली गई थी, क्लियर है? चलें, तो ऑफ पेज एसईओ इज ऑल अबाउट शेयरिंग योर वेबसाइट ऑल ओवर द वेब, ठीक है? और उसमें दो चीजों का ख्याल रखना है कि रेलिवेंट प्लेसेस के ऊपर और अच्छी अथॉरिटी के प्लेसेस के ऊपर। ट्रैवलपीडिया, हाँ, बहुत बड़ा, एक बहुत बड़ी जाइंट साइट है ट्रैवल फील्ड के अंदर, तो ट्रैवलपीडिया के ऊपर जाके अगर आप अपनी साइट के लिंक मेंशन कर देते हैं तो वो गूगल उसको बहुत सीरियस लेगा, ऐसा नहीं है कि वो उसको ऐसे कंसिडर करे। तो ये देखें, ट्राई टू गेट गुड वेब प्रेजेंस बाय गेटिंग लिंक मेंशंस फ्रॉम रेलिवेंट एंड गुड अथॉरिटी वेबसाइट्स। तो जो इतनी लंबी चौड़ी मैंने आपको स्टोरी सुनाई है ना, ये उसका निचोड़ है, ये बात मैंने आपको असल में बताई है। ट्राई टू गेट अ गुड वेब प्रेजेंस, एक अच्छी वेब प्रेजेंस बनाए बाय गेटिंग लिंक मेंशंस फ्रॉम रेलिवेंट एंड गुड अथॉरिटी वेबसाइट्स। अब सीधे एग्जांपल ले लो कि एक पॉलिटिशियन है, वो जब पॉलिटिशियन बनता है तो स्टार्ट कहाँ से उसका होता है? पहले वो अपने छोटे से एरिया के अंदर स्लोली स्लोली वर्किंग करके काम करेगा और वहां पे लोगों के सामने आएगा, फिर अपने उस वो जो गली मोहल्लों वाली बात है उधर से निकलेगा, तो वो फिर आगे जाएगा और आगे मतलब बलदियाती इलेक्शन लड़ेगा, फिर उसके बाद वो आपके सेनेट के इलेक्शन में आएगा, और ऐसे ऐसा ग्रो करते करते वो एक स्टेज पे पहुंचेगा। तो इसकी एक पूरी जर्नी होती है, कहाँ से स्टार्ट करता है और कहाँ जाता है। तो वेब प्रेजेंस, गुड वेब प्रेजेंस, तो अपना एक गुड पोर्टफोलियो बनाता है, तो फिर ऐसे ऐसा ऊपर जाता जाता वो चीजों को विन करता है ना। तो या कुछ लोग होते हैं उनको जरा वो जदी पुश्ती मिला होता है, सब कुछ बैकग्राउंड ही उनका इस तरह का होता है, तो मैं उनकी बात नहीं कर रहा, जो अपनी आइडेंटिटी बिल्कुल स्क्रैच से बनाता है उसकी बात कर रहा हूँ। तो आप लोगों ने अच्छी वेब प्रेजेंस बनानी है, जब आप बने हो, साइट आई है, साइट आने के बाद उसने अपनी आइडेंटिफिकेशन करवानी है, उसने अपनी वेब प्रेजेंस बनानी है,
और वो कैसे बनानी है, बाय गेटिंग गुड लिंक मेंशंस। लिंक मेंशंस के अपनी साइट को दूसरी साइट्स के ऊपर मेंशन करवाते हैं हम जाके, या करते हैं, करवाते हैं, या कुछ ऐसा करते हैं कि वो खुद हमें मेंशन कर रहे होते हैं, हमारे पास इतना अच्छा मटेरियल होता है। फ्रॉम रेलिवेंट एंड गुड अथॉरिटी वेबसाइट्स। रेलिवेंट ट्रेवल की साइट है तो ट्रेवल के रिलेटेड कोई रेलिवेंसी जिसकी क्रिएट होती है, आप उन्हीं साइट्स पे जाके मेंशन करवाओगे, या कोई कैटेगरी हो ट्रैवल के रिलेटेड जहाँ पे आप चीज मेंशन करवा सको। और उसके बाद गुड अथॉरिटी, तो गुड अथॉरिटी की किस बेस पे डिफाइन करते हैं इसकी, इस कुछ स्टेटिस्टिक्स हैं वो आपके साथ मैं अभी शेयर कर देता हूँ। तो ये सिंपल सी बात है, तो इसमें कोई लॉग इन करके साइट के साथ काम नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, बस प्रमोशन हो रही है, लिंक्स की प्रमोशन, वोट्स इकट्ठे कर रहे हो आप, ठीक है। और रेलिवेंसी मैंने बता दिया, गुड अथॉरिटी की एग्जाम्पल और है, एक एग्जाम्पल मैं हर बार देता हूँ, ज्यादा अच्छी तरह चीजें समझ आ जाती हैं जिसको नहीं भी क्लियर हो रहा होता। कि फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों का ट्रेनर हूँ, आप मुझे कहते हो जी, आप में से कोई कहता है जी बहुत अच्छा ट्रेनर, या आप किसी को मुझे इंडोर्स करते हो, किसी को बताते हो कि वसीम साहब जो है ना वो बड़ा अच्छा पढ़ाते हैं, आप उनसे जाके पढ़ना, आप नेक्स्ट बैच ज्वाइन करो, वो पीयू में, वो पीयू लाहौर में है या जिधर भी है, तो आप ई रोजगार में अप्लाई करो, उनसे पढ़ो, वो अच्छा करवाते हैं, आप मुझे इंडोर्समेंट दे रहे हो। अब आपकी इंडोर्समेंट क्या होगी, एक बंदे को बता रहे हो, वो एक बंदा आगे को दो, एक दो को और बता देगा, या शायद दो तीन को बताया आपने, उनमें से एक उसको अडॉप्ट करे, उस बात को माने, दूसरे दो ना माने, तो बड़े छोटे से लेवल पे बात होगी। अगर आज हमारे मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है इमरान खान साहब, बोल देते हैं जी वसीम बहुत जबरदस्त किस्म का ट्रेनर है जी, ये डिजिटल मार्केटिंग हो तो मुझे इंडोर्स करते हैं कि कंसल्टेंसी लें लोग, और मुझे कुछ भी बोल देते हैं मेरे बाद में, मेरे बारे में, तो अब सोचे कि मैं तो वायरल हो जाऊंगा, क्योंकि अथॉरिटी बहुत ज्यादा है, वो बहुत बड़े लेवल पे बात हुई है, तो इसलिए उसके जो कवरेज है वो इंटरनेशनल लेवल तक है, वो बहुत दूर दूर तक पहुंचेगी। अब वो कवरेज, जारी बात, उसकी अथॉरिटी बहुत ज्यादा है, उसका वाया, उसका जो सर्कल है वो बहुत बड़ा है, वो बहुत जो तक बात जाएगी, वायरल वाली बात कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन मुल्क के प्राइम मिनिस्टर का मेरे बारे में ये बात बोलना इजी भी तो नहीं है, ठीक है। उसके नो डाउट उसके जो जो उसका रिटर्न होना है या जो उसकी वजह से इम्पैक्ट आना है वो बहुत बड़ा है, बट उतना ही मुश्किल है कि मुझे क्यों प्राइम मिनिस्टर इंडोर्स करेगा भाई, ठीक है। तो ये मैं बैग लिंक्स का रिलेट कर रहा हूँ, आपको अथॉरिटी की बात बता रहा हूँ। अब वो नहीं हुआ, काम चला, तो मैंने कहा चलो मैं कहता हूँ, या वैसे वो प्राइम मिनिस्टर नहीं करता, आपको कोई वैसे मिनिस्टर जो है, कोई और पंजाब, पंजाब का मिनिस्टर है, जो केपीके का, डिफरेंट जो आपके हैं प्रोविंसेस हैं, इनके को मिनिस्टर हैं, वो मुझे कर देता है। तो एक मिनिस्टर करेगा ना, तो उसकी जो बात है वो शायद उसके अपने पूरे एरिया में पहुंच जाए, पंजाब का मिनिस्टर करेगा पूरे पंजाब में बात पहुंच सकती है, उसका जो सर्कल है ना वो प्राइम मिनिस्टर से थोड़ा छोटा है, ठीक है। तो मैं अगर चाहता हूँ ना कि मुझे जितनी कवरेज या जितना इम्पैक्ट प्राइम मिनिस्टर के कहने पे बोल मिलेगा ना, अगर मुझे सेम उतना ही चाहिए, तो मुझे जितने भी प्रोविंसेज हैं उनके सबके जो चीफ मिनिस्टर हैं वो सब सबसे मुझे इंडोर्समेंट लेनी पड़ेगी, फिर जाके मैं उस लेवल पे पहुंचूंगा, ठीक है। सलाम हमारी अलैकुम। अच्छा, और उसके बाद तीसरी बात, अगर प्राइम मिनिस्टर ने वोट नहीं किया, वो ज्यादा मुश्किल है। अब वो जो मेरे पांच, अब मेरे ख्याल में छह होने वाले हैं जो आपके चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने मुझे इंडोर्स किया, उनकी वजह से मुझे फिर उनके इक्वल जाने के लिए, प्राइम मिनिस्टर के इक्वल जाने के लिए उन चारों पांच, उन पांचों से इंडोर्समेंट चाहिए, फिर जाके मैं उसके उन प्राइम मिनिस्टर के इक्वल पहुंचूंगा। लेकिन जाहिर बात है वो भी इजी नहीं है। उसके बाद फिर हम कहते हैं चलो कोई नहीं, जो एमएनएस हैं कोई उनसे ट्राई करते हैं, जो मिनिस्टर्स हैं डिफरेंट मिनिस्ट्रीज हैं उनसे ट्राई करते हैं, तो वो मुझे ज्यादा लोगों से चाहिए, फिर जाके मेरी मेरा जो वो इम्पैक्ट है वो क्रिएट होगा, जो एक प्राइम मिनिस्टर कहने से हो रहा है। उसके बाद अगर उनसे भी नहीं होता तो मैं कहता हूँ यार चलो अपने एरिया के जो एमएनए हैं उनसे हेल्प ले लें, उनसे बुलवाएं, तो एमएनए पूरे पाकिस्तान में कितने हैं, वो किन किन से मैं करवाऊंगा, और फिर जाके वो वाला इम्पैक्ट क्रिएट होगा। फिर वो भी नहीं होते तो एमपीएस की तरफ आ जाऊंगा, वो भी नहीं होते तो फिर मैं जो आपके ये जो जली नाजम वगैरह होते हैं उन पे आ जाऊंगा, तो वो कितने ज्यादा हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर, उन सबकी इंडोर्समेंट चाहिए होगी, फिर जाके क्रिएट होगा इम्पैक्ट जो है ना वो प्राइम मिनिस्टर जितना। तो ये इस तरह से अथॉरिटी काम कर रही होती है। तो ये जो काम है ना, इट्स ऑल अबाउट क्वालिटी। तो जो लिंक जितना ज्यादा अच्छा है, जितनी ज्यादा अच्छी अथॉरिटी की साइट से आप लिंक लेना चाहेंगे, उतना ही वो टफ होगा। तो अगर मुझे प्राइम मिनिस्टर इंडोर्स नहीं कर सकता, तो मैं ट्राई करूंगा यार चलो चीफ मिनिस्टर से करवा लूँ, चीफ मिनिस्टर्स भी नहीं कर सकते तो मैं ट्राई करूंगा जो डिफरेंट मिनिस्ट्रीज है उनसे करवा लूँ, वो भी नहीं कर सकते, मुश्किल है ना, वो टफ है उतने ही, उधर तक भी मेरी बात नहीं पहुंचती, मेरी दाल नहीं गलती, तो मैं उससे निचले लेवल पे कोशिश करूंगा। तो जैसे ही मैं अथॉरिटी में ड्रॉप लाता जाऊंगा, मुझे उतने ज्यादा बैग लिंक्स चाहिए होंगे, ठीक है, उतने ज्यादा मुझे वोट चाहिए होंगे।
उतनी ज्यादा मुझे इंडोर्समेंट चाहिए होंगी, फिर जाके मेरा काम चलेगा। तो एक अच्छी अथॉरिटी का लिंक ले लो ना, तो आप एक लिंक से रैंक हो जाते हो। और अगर आप, लेकिन वो एक लिंक लेना बहुत टफ है, वो उतना ही मुश्किल है। वो नहीं मिलता तो हम कहते हैं चलो उससे थोड़ा सा डाउन जो लिंक्स हैं वो ले लेते हैं, वो एक नहीं वो पांच लेंगे तो रैंक हो जाएंगे। चलो पांच लेके रैंक हो जाएंगे। अच्छा, अब वो पांच लेना भी बहुत मुश्किल हुआ पड़ा, नहीं मिल रहे, तो फिर मैं कहूंगा चलो पांच नहीं से तो नीचे 20 लिंक्स ले लेते हैं, उससे रैंक हो जाता हूँ, जो उससे थोड़े से लो क्वालिटी के, उससे थोड़ी कम क्वालिटी के हैं, लेकिन क्वालिटी के होने चाहिए। तो वो आपने वहां पे ट्राई करनी है, तो वो 20 लिंक्स मिलेंगे, तो फिर जाके आपका कुछ बनेगा, आप रैंक होंगे। तो ये इस तरह से अथॉरिटी काम कर रही होती है, जितनी ज्यादा अच्छी अथॉरिटी की साइड से लिंक लेंगे उतना जल्दी आप लोग रैंक हो जाएंगे, लेकिन अच्छी अथॉरिटी का लिंक लेना उतना ही टफ है। तो फिर हम कंप्रोमाइज करते हैं कि चलो जो जो टॉप ऑफ द लिस्ट बहुत अच्छी अथॉरिटी की वहां नहीं मिलता, तो उससे नीचे वाले मेरे पास क्या ऑप्शन है, उससे नीचे मेरे पास क्या ऑप्शन है, उससे नीचे मेरे पास क्या ऑप्शन है, मैं ये देखता हूँ। लेकिन यहाँ पे अब मैं कह रहा हूँ कि लो क्वालिटी की ज्यादा बैकलिंक्स अगर बन रहे हैं, मतलब हम क्वालिटी डाउन कर रहे हैं, तो बैकलिंक्स ज्यादा चाहिए। यहाँ पे एक चीज माइंड में रखना, इसका मतलब ये नहीं है कि बात यहाँ तक पहुंच जाए कि हम अपने आसपास लोगों से, जो आसपास दोस्त है हमारे जिनका सर्कल हमारे जितना ही है, वो मुझे बता देंगे या तीन चार लोगों को और बता देंगे, हम उन लोगों से लिंक लेना शुरू कर दें जो मेरे जैसे हैं, उनको नहीं कंसिडर करना। ठीक है, तो आम बंदे तक बात नहीं पहुंचनी चाहिए, प्राइम मिनिस्टर से शुरू किया है तो नीचे कुछ मिनिस्ट्रीज या नाजम लेवल तक तो आ जाए। आप बिल्कुल ही आप उसको आम जो पर्सन टू पर्सन पे ना लेके आ जाना, पर्सन टू पर्सन पे फिर आपका कब पूरे पाकिस्तान को कवर करना है, तो आप, मैं आपको बता देता हूँ, आप आगे बता देते हो, पूरा पाकिस्तान कवर करते करते मेरी जिंदगी गुजर जाएगी। ठीक है, तो ऐसा भी लिंक नहीं हो, लिंक आपका थोड़ा सा एक अथॉरिटी से आए, चलो बहुत अच्छी अथॉरिटी से नहीं आ रहा तो उससे नीचे वाली अथॉरिटी से आ जाए, उससे नहीं आ रहा तो उससे थोड़ी सी नीचे वाली अथॉरिटी से आ जाए, लेकिन स्टिल अथॉरिटी वाली चीज हो, जिसकी कोई अथॉरिटी हो वो वाली साइट लेनी है आपने। ऐसा नहीं करना कि अपने जैसी आप भी आ जाए और एक साइट और आ जाइए तो आप आपस में लिंक लेके बैठे हो, तो वो काम आपने नहीं करना। तो ये एक थोड़ा सा इसका। क्लियर है जी, ये जो सेकंड एग्जांपल दिए मैंने। जी काशिम ने कहा एंड पे घर वाले रह जाते हैं, तो मैंने इसलिए बता दिया है कि इसमें वो माइंड में ना लाना कि घर वालों से भी काम चल जाएगा, तो घर वालों से फिर आपकी वो कहां तक जाएगी, घर के अंदर ही बात सुनी जाएगी, तो हमें घर से निकल के लोगों को बताना है। दीन इधर रेलिवेंट साइट्स, यूएसए होना जरूरी नहीं है, रेलिवेंसी होना जरूरी है। ठीक है जी, तो ये अब आपका वही चीज है, मैं दोबारा इसको रिपीट कर रहा हूँ, ट्राई टू गेट गुड वेब प्रेजेंस बाय गेटिंग लिंक मेंशंस फ्रॉम रेलिवेंट एंड गुड अथॉरिटी साइट्स। तो अथॉरिटी मैटर करती है, क्वालिटी मैटर करती है, इट्स नॉट अबाउट क्वांटिटी। वो बहुत पुरानी बात है, आज से 10 साल पहले की बात करूंगा, अगर मैं क्वांटिटी पे जाऊंगा जी, इतने 1,000 बैकलिंक लगवा लें, इतने करवा लें तो काम हो जाएगा। अच्छी अथॉरिटी के दो लिंक ले लो काम हो जाएगा आपका, चार ले लो काम हो जाएगा आपका। तो ये काम है आपका। तो ऑफ एजेस इज ऑल अबाउट शेयरिंग योर लिंक्स, योर वेबसाइट लिंक्स टू रेलिवेंट गुड अथॉरिटी प्लेसेस टू गेट गुड वेब प्रेजेंस। और इनको वोट्स कह लें, इनको बैक लिंक्स कह रहे हैं, ये बैक लिंक्स इसलिए इसका नाम है ना, हम दूसरी साइट से लिंक बैक करवा रहे हैं, लिंकिंग करवा रहे हैं ना, तो बैक लिंक्स ले रहे हैं हम लोग। और लिंक बिल्डिंग भी इसका नाम है कि हम अपनी साइट के लिंक्स दूसरों साइट्स पे जाके अगर ऐड कर रहे हैं या करवा रहे हैं तो लिंक बिल्डिंग कर रहे हैं ना, लिंक्स बिल्ड कर रहे हैं, तो इसलिए इसका नाम ये होता है। और ऑफ साइट एसईओ, ऑफ द पेज एसईओ, पता लग गया आपको कि आप डायरेक्टली आप इन्वॉल्व नहीं हो रहे, कुछ चीजें चेंज नहीं कर रहे, आप बस आप लिंक उठा रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, तो ये आपका काम है। अब अथॉरिटी रेलिवेंसी, मैंने आपको बताया कि रेलिवेंसी तो आप लोग पता लग जाएगा आपको कौन सी साइट रेलिवेंट है कौन सी नहीं है, ये ट्रैवल के रिलेटेड आर्टिकल है, तो ट्रैवल के रिलेटेड आर्टिकल है तो कौन सी साइट, सब साइट ओपन करोगे सामने तो आइडिया हो जाएगा आपको, फौरन पता लग जाएगा ये ट्रैवल के रिलेटेड रेलिवेंसी बनती है इसकी या नहीं बनती है, या कोई कैटेगरी है किसी वेबसाइट में जिसके अंदर कोई रेलिवेंसी है इस कैटेगरी के साथ, इस हमारी नीश के साथ, तो फिर हम लोग वहां यूज करेंगे, वरना हम लोग यूज नहीं करेंगे। तो रेलिवेंसी तो हमें वैसे ही पता लग सकती है। गुड अथॉरिटी की क्या मैयर्स हैं, किन बेसिस के ऊपर हमें पता लगेगा कोई वेबसाइट एक अच्छी अथॉरिटी की है या नहीं है, जब आपकी वेबसाइट बनती है ना नहीं, तो उसकी कोई अथॉरिटी नहीं होती, बिल्कुल फ्रेश साइट है वो, कोई उसको नहीं जानता होता। ठीक है, कोई उसको नहीं जानता, वो फर्स्ट टाइम आप इन हुए हो किसी फील्ड के अंदर और आपको कोई जानता नहीं है, अब आपने लोगों को बताना भी है कि मैं हूं, और उसके बाद गूगल को बताना है, और फिर स्लोली स्लोली आपने उस चीज के अंदर, उस कैटेगरी के अंदर एक अथॉरिटी बनना है ताकि आप अच्छे रैंक हो सको। तो ये बात होती है।
अब वो अथॉरिटी किन मेयर्स की बेस पे आप आइडेंटिफाई करते हो, तो वो अथॉरिटी के जो कुछ मेयर्स है ना, वो नीचे मैंने लिखी हुई है, अथॉरिटी स्टैट्स, ये आपके पास आ रही है अथॉरिटी स्टैट्स। इसमें चार तरह के फैक्टर्स हैं जिनको हम कंसिडर करते हैं, और इनको मैं थोड़ा सा बूस्ट करूंगा, जो मिनिमम क्राइटेरिया है, और मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ कि चीजें हैं क्या। ये चार फैक्टर्स हैं जिनकी बेस पे आप अथॉरिटी को डिफाइन करते हो। रेलिवेंसी तो देख के पता लग जाएगा रेलिवेंट है या नहीं है। अथॉरिटी कैसे पता चलेगी? अथॉरिटी में जी चार तरह की स्टैटिस्टिक्स हैं जिनको हम मैयर करते हैं, जिनको देखते हैं किसी भी वेबसाइट के अंदर। अगर उस वेबसाइट में ये चार अथॉरिटीज जो हैं हमारे में मिनिमम जो थ्रेश होल्ड है उसके अंदर फॉल कर रही हैं, तो फिर हम लोग उसको यूज करते हैं, साइट को उस पर लिंक लगाने की कोशिश करते हैं, वरना हम लिंक नहीं लगाते होते। तो लिंक लगाने हैं, लिंक मेंशन भी हो जाते हैं, लोग खुद भी लगा लेते हैं, हमें भी लगवाने पड़ते हैं, फ्री में भी लग जाते हैं, पैसों से भी लग जाते हैं। गूगल को कोई पता नहीं किस तरह से लग रहे हैं, गूगल को ये पता है कि बस मेंशन हुआ हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे अथॉरिटी की स्टैट्स क्या है, वो ये चार हैं जिनकी बेसिस पे हम लोग अथॉरिटी मैयर करते हैं। नंबर 1 डोमेन अथॉरिटी, इसको हम डीए बोलते हैं। नंबर 2 इज पेज अथॉरिटी, इसको हम पीए बोलते हैं। नंबर 3 इज ट्रस्ट फ्लो, इसको टीएफ बोलते हैं। और नंबर 4 इज साइटेशन फ्लो, एंड इसको सीएफ बोलते हैं। और मैंने अभी लिखा है कि इनकी वैल्यूज ग्रेटर देन 20 हो, ये 100 वैल्यू इनकी होती है, और आउट ऑफ 100 ये वैल्यूज हैं। तो मिनिमम से मिनिमम क्राइटेरिया के 20 से नीचे नहीं जाना, वरना रिस्क पे चले जाएंगे। 20 से नीचे चले जाएंगे तो लो क्वालिटी साइट्स की तरफ चले जाएंगे, और वहां पे हमें फिर उल्टा गुड रिजल्ट्स आने के बुरे रिजल्ट्स आ सकते हैं। वो मतलब ऐसी साइट से हम फिर लिंक्स लेने की तरफ जा रहे हैं जो खुद जिसका कोई पता नहीं है, और कल को मतलब उसकी अपनी कोई अथॉरिटी नहीं है, या कल को गूगल उसको पेनालाइज कर सकता है, उसको इशू कर सकता है। अगर उसको इशू बनेगा तो हमारा लिंक वहां पे ऐड है, तो हमें भी इशू आ सकता होता है। तो हम अच्छे अच्छे लोगों को चुन के उनसे बैकलिंक्स लेने की कोशिश करते हैं, उनसे वोट लेने की कोशिश करते हैं। तो जो अथॉरिटी है ना जी, उन चार स्टेटिस्टिक्स के बेस पे मैयर की जाती है। अब डोमेन अथॉरिटी क्या चीज है, ये आपने अभी याद नहीं करना, बस लिख लें, ऐसे ऐसे आपको खुद ही याद हो जाएगा। डोमेन अथॉरिटी क्या चीज है, आपकी डोमेन ये वाली यहाँ पे क्या है, erozgar-10.addwebpages.com, ऐसे ही है। या ये स्ट्रीम यार्ड है, तो स्ट्रीम यार्ड की डोमेन क्या है, streamyard.com। माशाल्लाह नूर, मैनी कंग्रेचुलेशंस, अल्लाह ताला आपको और कामयाब करे। प्लीज डिटेल शेयर कीजिएगा मेरे साथ, ठीक है। तो ये जो streamyard.com है, ये क्या है, मैंने डोमेन आपको बोला था, तो यहाँ पे streamyard.com डोमेन है ना। अगर यहाँ पे बात करो तो google.com डोमेन है, अगर यहाँ पे बात करो तो ये आपके पास डोमेन है, ठीक है। या अगर कोई भी साइट ओपन कर लो, ये जियो की साइट है तो जियो पे jio.tv ये डोमेन है। तो डोमेन अथॉरिटी होती है आपके नाम की अथॉरिटी, कि आपका नाम कितना अथॉरिटेटिव है। तो मैंने उसका बोला हुआ है कि यहाँ पे उसकी वैल्यू, डोमेन अथॉरिटी की वैल्यू निकालते कैसे हैं, चेक कैसे करते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले समझ लें ये होता क्या है। तो डोमेन अथॉरिटी जो है वो आपका नाम, जो आइडेंटिटी है आपके नाम की अथॉरिटी कितनी है, ये आपकी 20 या उससे ज्यादा होनी चाहिए। जब नई साइट को बनती है तो उसकी डोमेन अथॉरिटी कुछ भी नहीं है, स्टार्ट से स्क्रैच से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद है पेज अथॉरिटी। पेज अथॉरिटी किस चीज का नाम है, मैं यहां पर ओपन कर लेता हूं कोई एक साइट, जियो ही ओपन कर लेते हैं, ताकि पेज अथॉरिटी का मैं आपको जरा प्रॉपरली बता सकूं। अच्छा, ये साइट है जियो की। जियो की डोमेन क्या है, jio.tv, jio.tv डोमेन है। तो ये डोमेन, इसकी जो अथॉरिटी होगी jio.tv की, वो डोमेन अथॉरिटी है। अब जियो के ऊपर ये देखें कितने यहाँ पे आपको कैटेगरीज और पेजेस नजर आ रहे हैं। यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ वीडियोस पे, तो ये वीडियोस का पेज है, ठीक है। मैं क्लिक करता हूँ एंटरटेनमेंट पे, तो ये एंटरटेनमेंट जो आपकी कैटेगरी है उसके अंदर जितनी पोस्ट लगी हुई है वो सारी मेरे सामने आ गई। जब आप यहाँ पे, ये सारे अलग अलग पेजेस है ना, एंटरटेनमेंट एक अलग है, वीडियोस अलग है, स्पोर्ट्स अलग है, पाकिस्तान अलग है, कोरोना वायरस में अलग है, लेटेस्ट में अलग है, होम आपका जो मेन डोमेन है वो आ जाएगी। तो ये जितने पेजेस हैं सेपरेट सेपरेट आपकी वेबसाइट के पेजेस, हर पेज की एक अथॉरिटी होती है, हर पेज की अथॉरिटी होती है और डिफरेंट होती है। इवन के मैंने ये ओपन किया है, मैं अगर ये एंटरटेनमेंट ओपन करता हूँ और इसके अंदर मल्टीपल आर्टिकल्स लिखे हुए हैं, इसमें हर आर्टिकल की एक अपनी अथॉरिटी है। तो हर एक स्लग की, परमालिंक की एक अपनी अथॉरिटी होती है। ये आर्टिकल ओपन किया है, इसकी अथॉरिटी कुछ और है,
ये पेज जो ओपन हुआ है एंटरटेनमेंट वाला कैटेगरी, इसकी अथॉरिटी और है, मैं यहाँ पे कोई और आर्टिकल ओपन करूंगा उसकी अथॉरिटी कुछ और होगी। तो जितने वेबसाइट के ऊपर, आपकी वेबसाइट पे जितने पेजेस होते हैं ना, जितने पेजेस, जितनी पोस्ट, जितनी प्रोडक्ट्स, हर एक की एक अथॉरिटी होती है, वो होती है पेज अथॉरिटी। तो पेज अथॉरिटी आपकी वेबसाइट पे 10 पेजेस है तो 10 पेजेस की पेज अथॉरिटी डिफरेंट होगी, 5 पेजेस है 5ों की डिफरेंट होगी, 50 पेजेस है 50 की पेज अथॉरिटी डिफरेंट होगी, 100 पेजेस है तो 100 पेजेस की पेज अथॉरिटी डिफरेंट होगी। तो इंडिविजुअल पेज की अथॉरिटी, इंडिविजुअल पोस्ट की अथॉरिटी ये होती है जिसको पेज अथॉरिटी बोलते हैं। वेयर एज जो डोमेन अथॉरिटी है वो क्या है, मेन नाम, geo.tv आपका मेन डोमेन का नाम है, इसकी अथॉरिटी ऑल ओवर द वेब सेम ही है। तो नाम तो चेंज नहीं ना होता, जो मर्जी पेज ओपन कर लो ये नाम वही रहता है। तो डोमेन अथॉरिटी आपकी पूरी वेब के ऊपर होती है सेम, ये डोमेन है geo.tv। और पेज, जितने पेज, पोस्ट, जो कुछ आपने वहां पब्लिश किया हुआ है, हर पेज की एक अपनी अथॉरिटी है, उसको कहते हैं पेज अथॉरिटी। ठीक है, तो डोमेन पेज अथॉरिटी का पता, डिफरेंस पता चला है कि दोनों क्या होते हैं, चेक करना, मैं आपको बताता हूँ, एक टूल से हमारे सामने सब कुछ आ जाएगा, सिर्फ पता होना चाहिए कि चीज क्या है। तो मैंने मेंशन किया हुआ है कि जिस पेज के ऊपर लिंक लगा रहे हैं उसकी अथॉरिटी 20 या 20 से ज्यादा हो। क्लियर है? लेक्चर 20 डिलीट हो जाना चाहिए था, अब तक पता नहीं हुआ ही नहीं हुआ। क्योंकि आज 11 बजे तक ही होता है ना, शायद आज अनऑफिशियल हो, जो मर्जी हो, मैं अभी पेज अथॉरिटी, ये तो हर एक डोमेन के ऊपर है ना, डोमेन और पेजेस के ऊपर है ये। डोमेन अथॉरिटी है मेन डोमेन की अथॉरिटी, geo.tv मेन डोमेन है, मेन नाम है, इस नाम की अथॉरिटी, वो मैं इस पेज पे हूं, मैं इस पेज पे हूं, मैं geo.tv के किसी भी पेज पे हूं, किसी भी पोस्ट पे हूं, जो geo.tv की अथॉरिटी है, मेन डोमेन की अथॉरिटी है, वो सेम रहेगी। और पेज अथॉरिटी क्या होती है, हर पेज की एक स्पेसिफिक अथॉरिटी होती है। ये मैंने एक पोस्ट ओपन की हुई है, ठीक है, इसकी एक अथॉरिटी है, इसकी पेज अथॉरिटी एक डिफरेंट होगी। उसके बाद ये मैंने कैटेगरी ओपन की है, इसकी पेज अथॉरिटी डिफरेंट होगी। मैं यहाँ पे कोई और आर्टिकल ओपन कर लेता हूँ, ये देखें, ये ले, मैंने एक और आर्टिकल ओपन कर दिया, इसकी भी एक पेज अथॉरिटी होगी। तो डोमेन अथॉरिटी तो सेम होगी इन सब की, क्योंकि डोमेन तो सेम ही है ना, geo.tv तो चेंज नहीं हो रहा, लेकिन पेजेस चेंज हो रहे हैं, पोस्ट चेंज हो रही हैं। तो हर पेज की, हर पोस्ट की, हर प्रोडक्ट की एक डिफरेंट पेज अथॉरिटी होती है। तो ये स्पेसिफिक पेजेस की जो अथॉरिटी होती है उसको पेज अथॉरिटी बोलते हैं। समझ आ गई? स्क्लैन रिपीट कर दिया मैंने। तो डोमेन अथॉरिटी पेज अथॉरिटी क्या, डोमेन अथॉरिटी मेन डोमेन की अथॉरिटी, वो आपको कोई भी पेज ओपन कर लो सेम ही रहेगी। पेज अथॉरिटी जो है वो आपकी पेज बाय पेज चेंज हुआ करेगी। आपकी साइट पे होम, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, ये 3 पेजेस हैं आपकी मेन डोमेन पे। आपकी जो मेन डोमेन है उसके ऊपर, आपकी मेन साइट के ऊपर 4 पेजेस हैं, होम, अबाउट अस, सर्विसेज, कॉन्टेक्ट अस, 4ों पेजेस की अथॉरिटी डिफरेंट होगी। ठीक है, क्लियर है? ऑफ पेज जैसे शब्द आसान होती है, यही लोगों को ज्यादा आती होती है, ऑन पेज तो आती बहुत कम लोगों को है, जो आप मेन चीज होती है वो आती बहुत कम लोगों को है। ऑफ पेज में तो सिर्फ ये बैक लिंक्स लगाना आपको आ जाएंगे, उसके बाद जो है बस लिंक लगाने वाला काम ही है, बस स्पीड होनी चाहिए और बस साइट फाइंड करते रहो, लिंक लगाते रहो, तो ये काम उससे इजी है, बस प्रैक्टिस चाहिए। प्रैक्टिस के बगैर ना ये होगा ना वो होगा। ठीक है, ये मैं एक एक टूल चलाऊंगा, मेरे पास सारी अथॉरिटीज आ जाएंगी, ये कौन सा कोई मुश्किल काम है, सिर्फ समझा रहा हूं कि ये होती क्या है, पता तो हो ना आपको, बाकी इनको चेक करना कोई मसला नहीं है, ये कट्ठे निकल के आ जाएगा। तो ऑफ पेज क्या है, क्या है जी, अपनी वेबसाइट के लिंक्स उठाओ और प्रमोट करो। कहाँ प्रमोट करना है, रेलिवेंट साइट्स के ऊपर, अच्छी अथॉरिटी की हो। रेलिवेंट तो देख के पता लग जाएगा कि रेलिवेंट है या नहीं है। अथॉरिटी कैसे पता चलेगी, अथॉरिटी इन 4 स्टैट से पता चलेगी, डोमेन अथॉरिटी चेक करोगे, पेज अथॉरिटी चेक करोगे, ट्रस्ट फ्लो, साइटेशन फ्लो। डोमेन अथॉरिटी क्या है जी, नाम की अथॉरिटी, ये geo.tv में, geo.tv का जो डोमेन है इसकी एक अथॉरिटी होगी, वो सारी साइट पे ऑल ओवर द वेब सेम रहेगी, उसकी अथॉरिटी क्या है वो चेक करना है, मैंने कहा 20 ईयर से ज्यादा हो। ठीक है, दूसरा पेज अथॉरिटी, पेज अथॉरिटी क्या है, ये होम है, ये लेटेस्ट है, ये कोरोना वायरस है, ये पाकिस्तान है, इन सब की अथॉरिटी डिफरेंट होगी। ये होम ओपन किया तो geo.tv मेन डोमेन आ गया, इसकी अथॉरिटी, इसकी भी एक अपनी पेज अथॉरिटी होगी। पाकिस्तान पे क्लिक करता हूँ, पाकिस्तान एक डिफरेंट पेज है, इसकी अपनी अथॉरिटी होगी। वर्ड पे क्लिक करता हूँ, वर्ड एक डिफरेंट पेज है, इसकी भी अपनी अथॉरिटी होगी। तो
उसकी अपनी भी तो कोई रिप्रेजेंटेशन है ना, अपनी भी कोई अथॉरिटी है, डोमेन की तो अपनी जहां पे है, लेकिन इस पेज की भी अपनी अथॉरिटी है, इस पे जितने आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं, कोई आर्टिकल ओपन कर लूं उसकी भी एक अपनी अथॉरिटी है। तो जितने वेबसाइट पे पेजेस होते हैं, होम, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, सर्विसेज, ये चार पेजेस आपकी साइट पे हैं, तो चारों की डिफरेंट पेज अथॉरिटी होगी, लेकिन डोमेन अथॉरिटी सेम होगी, क्योंकि डोमेन तो चारों में सेम ही है, सिर्फ पेज का वो यूआरएल सिलेक्ट डिफरेंट हो रहा है हर एक का, और उसमें जो कंटेंट है डिफरेंट बेसिस पे, उसकी अथॉरिटी जो है ना वो डिफरेंट आएगी आपके सामने। क्लियर है जी? क्लियर, बताएं आप। उसके बाद जी ट्रस्ट फ्लो क्या चीज होता है? ट्रस्ट फ्लो, साइटेशन फ्लो, बोथ आर अबाउट बैक लिंक्स, ये ऑफ पेज एसईओ। आपकी साइट के ऊपर जो आप अपनी साइट को मेंशन करवा रहे हो रेलिवेंट और गुड अथॉरिटी सोर्सेज पे, वो कितने गुड अथॉरिटी के हैं और कितने रेलिवेंट हैं, इसकी डिफाइन करते हैं ये दो फैक्टर्स। तो किसी साइट से अगर आप बैकलिंक, किसी साइट पे जाके अपनी साइट को मेंशन करवा रहे हैं, किसी साइट पे आप लिंक अपना पब्लिश करवा रहे हैं या कर रहे हैं, तो उस साइट के अपने आगे बैकलिंक्स कैसे हैं, उनके अपने आगे ऑफ पेज जैसे उसने अपनी कैसे की हुई है, वो उसका लिंक कहाँ कहाँ मेंशन हुआ हुआ है, उसके हिसाब से ये वाला स्कोर डिफाइन किया जाता है, ताकि पता लगे कि वो साइट खुद तो रिस्क पे नहीं है। क्योंकि इन नंबर से नीचे जाओगे तो हो सकता है वो साइट खुद रिस्क पे हो, उसने कोई स्पैमिंग की हो, उसने जो आगे लिंक्स लिए हैं वो किसी अच्छी जगह से ना लिए हो, तो उस बेस के ऊपर हम लोग फिर रिस्क नहीं ले रहे होते, हम कहते हैं नहीं, फिर 20 या 20 से ज्यादा वाले में जाते हैं, ताकि हमें किसी किस्म का रिस्क ना हो, हमें कोई चांस ना हो कि कल को उसे कुछ हो तो हमें भी गूगल कुछ कर दे, क्योंकि हमने वहां पे लिंक लगाया हुआ है। तो इसलिए हम इन स्टैट्स की तरफ जाते हैं, ये वो स्टैट्स हैं जो आपको सेफ साइट, जो सेफ साइट्स हैं जहां से लिंक लेना सेफ है और आपको कल को प्रॉब्लम नहीं होगा, वो इन स्टैट्स की बेस पे आप डिफाइन कर सकते हो। जिस साइट की स्टैट्स ये हैं मोस्ट प्रोबेबली उसके ऊपर कोई इश्यू नहीं है, अगर इनमें से कोई एक स्टैट भी कम हो रही है तो हो सकता है कि वो साइट रिस्क पे हो, उसने आगे जो काम किया हुआ है उसमें गड़बड़ की हो, उसका कंटेंट ठीक ना हो, उसने आगे जहां से बैकलिंक्स लिए हैं वो जगह ठीक ना हो, वो स्पैमिंग वाली स्पैमिंग साइट्स हो, तो कल को अगर वो हर्ट होगी तो आप भी हर्ट हो सकते हैं, क्योंकि आप वहां पे लिंक मेंशन कर रहे हो। तो दैट इज वाई हम इन स्टैट्स को देख लेते हैं पहले ही, और फिर हम सोचते हैं कि अभी हम इसके हिसाब से हमें किसी साइट से लिंक लेना है या नहीं लेना। तो अथॉरिटी किन किन फैक्टर्स की बेस पे अथॉरिटी है या नहीं है हम मैयर करेंगे, तो वो फैक्टर्स हैं ये वाले चार। डोमेन अथॉरिटी, डोमेन का जियो डॉट टीवी अगर है, जियो दराज डॉट टीके है, इस डोमेन की अथॉरिटी क्या है। पेज अथॉरिटी, जितने पेजेस वेबसाइट पे बने होंगे हर पेज की डिफरेंट अथॉरिटी है। ट्रस्ट फ्लो, साइटेशन फ्लो, बैकलिंक्स, उन साइट्स ने जो अपने आगे ऑफ पेज एसईओ की हुई है, जो अपने उन्होंने बैकलिंक्स लिंक बिल्डिंग की हुई है, वो कितने अच्छे सोर्सेज से की हुई है, वो किसी ऐसी जगह से तो नहीं की हुई जो रिस्क पे है, तो ये अगर वो रिस्क पे है या वो लो क्वालिटी होंगे जहां से उन्होंने आगे काम किया होगा, तो ये फैक्टर्स ये ऑटोमेटिकली ड्रॉप हो जाएंगे स्कोर। जब स्कोर ड्रॉप होगा तो हम वो साइट छोड़ दिया करेंगे, हम कहेंगे इसकी अथॉरिटी स्टैट्स जो हमें अच्छी अथॉरिटी की साइट चाहिए उस स्टैट्स के अंदर नहीं आ रही, तो मैं हम इसको आउट कर देते हैं। हम उस साइट को लेंगे जिसका 20-20-20-20 DAPA TFCF होगा, हम उस साइट पे लिंक लगाने की ट्राई करेंगे, जिसका इनमें से कोई एक फैक्टर भी ड्रॉप हो रहा होगा हम उसको छोड़ देंगे। तो क्या होगा कि हम हमेशा सेफ रहेंगे, हमने कोई गड़बड़ वाला काम, कोई स्पैमिंग वाला काम नहीं किया, हमने बड़ा केयरफुली अच्छी जगहों पे काम किया, अच्छी जगह पे लिंक लगाए हैं, तो हमें कल को कोई इश्यू नहीं आएगा। ये इस वजह से हम अथॉरिटी को पहले चेक कर लेते हैं और फिर उस साइट पे लिंक लगाते हैं। जी अब्बास, मेरा ख्याल है अभी आपको आवाज थोड़ी लेट पहुंचेगी, मैंने बता दिया, ये हम ये इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारी वेब प्रेजेंस बने, कोई हमें जाने, हमारी को क्रेडिबिलिटी बने, और जब क्रेडिबिलिटी बनेगी, अथॉरिटी बनेगी, तो जो बात आप कर रहे हो उसको गूगल समझेगा भी, और उसको वेटेज भी देगा, और उस पर आपको अच्छे रैंक पे शो भी करवाएगा, ठीक है। और ये जो अथॉरिटी स्टैट्स हम चेक कर रहे हैं, इसलिए चेक कर रहे हैं कि हम किसी किस्म के किसी गलत प्लेस के ऊपर लिंक ना लगा दें, जिसकी वजह से कल को हम हर्ट हो सके। तो जिस वेबसाइट के ये चार फैक्टर्स इसी लेवल पे पूरे हो रहे होते हैं, ये इससे ज्यादा स्टैट्स उसकी होती हैं, वो साइट सेफ होती है, अच्छी क्वालिटी की होती है, वहां पे बैकलिंक लगाने में कोई मसला नहीं है, तो रेलिवेंसी आप लोग मैयर कर लेते हो, आपको पता लग जाता है। लेकिन गुड अथॉरिटी का जो वर्ड है, ये गुड अथॉरिटी तो मैंने कह दिया, पर किस तरह पता लगेगा गुड अथॉरिटी है या नहीं है, तो वो गुड अथॉरिटी पता लगेगी आपको इन फैक्टर्स की बेस पे, और ये फैक्टर्स चेक कर लिए जाते हैं। आप साइट का लिंक उठाओगे, आप साइट का लिंक ऐड करो, जहां पे भी आप लिंक लगाना चाह रहे हो उसका लिंक ऐड करो एक टूल में, वो आपको बता देगा कि उसका DAPA CFTF क्या है, तो हमें पता लग जाएगा कि यार इस पे लिंक लेना है या नहीं लेना। कोई एक फैक्टर भी इससे डाउन हो रहा हो तो वो साइट रिस्की हो सकती है, उससे आप लिंक ना लें। जी मिसबा, तो ऑन पेज ऑफ पेज दोनों मिलके जी वो एज एन एक्सटर्नल लिंक हमें मेंशन करेंगे,
और कुछ अक्सर साइट्स ऐसी हैं जहाँ पे हम शेयर कर सकते हैं। यार फेसबुक के ऊपर भी लिंक शेयर किया कभी आप लोगों ने? फेसबुक पे लिंक शेयर करोगे तो वो भी एक बैक लिंक है, वो भी एक ऑफ पेज एसईओ का पार्ट है, वो सोशल सोशल लिंक आपका है और साथ ये बैक लिंक में भी कंसिडर होता है। ठीक है, तो ये जो ऑफ पेज एसईओ, ऑफ साइट एसईओ, बैक लिंक में बोलूं मैं, लिंक बिल्डिंग बोलूं मैं, एक ही बात बोल रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आप फेसबुक के ऊपर अपनी साइट, अब ये वाला लिंक उठाओ और इसको फेसबुक पे शेयर कर दो, फेसबुक वहां पे लिंक देखेगा तो फेसबुक वहां से भी आपको एक बैक लिंक कंसिडर करवाएगा कि ये एक बैक लिंक लगा हुआ है आपकी साइट को, एक बोट आ रहा है। ठीक है, तो उससे भी आपको वेटेज मिलेगी। और अगर आप ट्विटर पे शेयर करोगे वहां से भी आएगा, तो जहां पे भी आप मेंशन करोगे गूगल हर जगह पे देखेगा और आपको उसकी वेटेज देगा बेस्ड ऑन के वो वेबसाइट खुद कैसी है। समझ आ रही? अथॉरिटी स्टैट्स, आपके जो डोमेन अथॉरिटी है, पेज अथॉरिटी, इसमें कंटेंट का बड़ा बहुत बड़ा रोल है, इसके अंदर आपकी ट्रैफिक का बहुत बड़ा रोल है, बहुत सारी फैक्टर्स के ऊपर जाके ये बन रहा होता है। और जो ट्रस्ट फ्लो साइटेशन फ्लो है, ये आपका ज्यादातर, ये आपका मेनली बैक लिंक्स के ऊपर बेस कर रहा होता है। बैक लिंक्स मीन्स कि जिस साइट पे मैं लिंक लगाने जा रहा हूँ उसने आगे कहाँ से बैक लिंक लिए हुए, उसने किसी स्पैमिंग जगहों से तो नहीं लिए हुए, लो क्वालिटी जगहों से, क्योंकि अगर लिए हुए हैं तो कल को गूगल उसको हिट करेगा, उसको गूगल उसको कल कल को कोई ना कोई इशू उसको बनाएगा। जब उसको इशू बनेगा तो वो, क्योंकि मेरा नेबरहुड है ना, मतलब मैंने उससे लिंक लिया हुआ है, तो मेरे ऊपर भी उसका इफेक्ट आ सकता है। तो मैं कहता हूँ ये छोड़ो, इसको इसको लेना ही नहीं है, यहाँ से लिंक ही नहीं लेता मैं। जो साइट ये स्टैट्स पूरी नहीं कर रही होगी, मैंने वहां से लिंक ही नहीं लेना। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, ये आपका जियो है, जियो में आप लोग बात कर रहे थे वर्ड के ऊपर, तो वर्ड वर्ड कैटेगरी है, इसके अंदर मुझे एक आर्टिकल पब्लिश करवाना है और यहाँ पे मुझे अपना लिंक लेना है। ठीक है, या मुझे, चलें ये इमेजिन कर लें, आप इमेजिन करते हो कि मुझे यहाँ से लिंक लेना है, मेरा कोई सोर्स है, मैं जियो के एडिटर को जानता हूँ, मैं जियो को रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, या किसी ना किसी तरह से मैं पे करके लगवा सकता हूँ, बट मैंने यहाँ से लिंक लेना है, आपने सपोज किया। अब आप देखना चाहते हो, मैं पहले चेक तो कर लूँ कि ये जो पेज है ये स्टेटिस्टिक्स पूरी भी करता है या नहीं करता, जो जो ये वाली है आपकी अथॉरिटी स्टैट्स, ये पूरी करता भी है या नहीं करता, आप इस चेक करना चाहते हो। तो आप अगर इस जगह पे लिंक लेना चाहते हो तो पहले इसका लिंक कॉपी करो और इसको चेक करो कि इसकी अथॉरिटी स्टैट्स पूरी है या नहीं है। तो गूगल पे आप आए और गूगल पे आके आप लिखें, ये मैं आपको टूल कुछ बता देता हूँ, काफी सारे मिल जाएंगे, ट्रस्ट फ्लो साइटेशन फ्लो बल्क चेकर, मैं ये लिख रहा हूँ, ये साइट बेशक आप नोट कर लेना, बहुत सारी साइट्स हैं ये नीचे, ये भी यही कर रही है, ये भी यही कर रही है, बहुत सारी साइट्स हैं। तो आप, मैंने ट्रस्ट फ्लो साइटेशन फ्लो पूरा पूरा लिख लो, मैंने टी एफ सी एफ लिख दिया है, बल्क चेकर। तो ये मेरे पास एक साइट आई है जिसका नाम है वेबसाइट seochecker.com/bulk-check-trust-flow-citation-flow, ये एक लिंक है, यहाँ पे मैं वो लिंक पेस्ट करूंगा जहां से मैं लिंक लेना चाह रहा हूँ, वेरिफिकेशन करूंगा और चेक। तो इस मेन, उस स्पेसिफिक पेज का जहां पे मैं लिंक लेना चाह रहा हूँ अपनी वेबसाइट के लिए, उसकी स्टैट्स निकल के मेरे सामने आ जाएंगी, ये देखें, ये स्टैटिस्टिक्स आपके सामने आ गई, ये लिखा हुआ आ रहा है डीए, डोमेन अथॉरिटी 84, पेज अथॉरिटी 46, ये आपका आ रहा है ट्रस्ट फ्लो TF30, CF59, ये सब कुछ लिखा हुआ आपके सामने आ रहा है। तो टी एफ सी एफ बैक लिंक्स के ऊपर है कि ये जो साइट है, ये जो पेज है जहां से मैं लिंक लेना चाह रहा हूँ, इसने आगे किस तरह की साइट से लिंक्स लिए हुए हैं। तो खैर ये तो है जियो, इसकी अथॉरिटी तो बहुत अच्छी है, डोमेन अथॉरिटी मतलब jio.tv की जो डोमेन अथॉरिटी है उसके नाम की अथॉरिटी 84 है, और पेज अथॉरिटी इस स्पेसिफिक पेज की जिसको मैंने वहां पे सर्च किया है, jio.tv/category-word, ये मैंने यहाँ पे चेक किया है ना, ये देखें, तो इस स्पेसिफिक पेज की, इस पेज की जो है अथॉरिटी वो कितनी है, वो है आपकी 46, और उसके बाद ये आपका ट्रस्ट फ्लो आ रहा है 30 और साइटेशन फ्लो आ रहा है आपका 59। तो 84, 46, 30, 59, अब यहां पे आके देख लो कहीं एक भी फैक्टर से डाउन हो रहा है, मैंने कहा 20 मिनिमम हो, 20 20 20 20, तो सारे 20 से ज्यादा है। ठीक है, तो आप उसको कर सकते हो, अगर आपको लगे आप मेहनत कर रहे हैं, आप निकाल रहे हैं साइट्स, लेकिन साइट्स के जो ये टी एफ सी एफ है ये हमेशा डाउन हो जाते हैं, ये ऊपर वाले तो सही रहते हैं, टी एफ सी एफ डाउन हो जाता है, तो फिर आप कोई कुछ परसेंटेज गिरा भी सकते हो, जैसे मैंने पहले 15 लिखा हुआ था, वहां तक जा सकते हैं, लेकिन कोशिश करनी है कि वहां तक ना जाना पड़े, ये स्टैट्स 20 20 प्लस हो, तो फिर आप उस साइट को कंसिडर करें, वरना ना करें। तो अगर मुझे इस पेज से लिंक लेना था तो मैंने इसकी, इसके डी ए पी ए सी एफ टी एफ चेक किया है और वो स्टैट्स मेरे सामने है,
अब इन स्टैट्स की बेस के ऊपर बिल्कुल परफेक्ट साइट है, मतलब तो बिल्कुल परफेक्ट ये वाला पेज है जहाँ से लिंक लिया जा सकता है। तो अब मैं वहां पे आर्टिकल पब्लिश करवा रहा हूँ, यहाँ पे जो ऑलरेडी वहां पे कोई पब्लिश जगह है वहां पे लिंक लगा रहा हूँ, तो वो फिर आप लगा सकते हैं। तो ये मैंने एक सपोज किया, आपको जियो की एग्जाम्पल दी है, तो चेकिंग के लिए सिर्फ ये आपका देख लें, वेबसाइट seochecker.com/bulk-check-page-authority। तो DAPA चेकर लिख लें, बल्क DAPA चेकर लिख लें, बल्क TFCF चेकर लिख लें, साइटेशन फ्लो ट्रस्ट फ्लो चेकर कुछ भी लिख लें, आपके सामने डिफरेंट साइट्स आ जाएंगी, कोई से भी यूज करके हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये आपके सामने सब आ गया। तो चेक करना सिर्फ इतना ईजी है, आप मल्टीपल साइट्स भी एट अ टाइम यहाँ चेक कर सकते हैं। सर व्हाट इफ वेबसाइट वेयर वी वर लिंक्ड गेटिंग डाउन, विल दिस अफेक्ट आवर वेबसाइट? बाबर बिल्कुल अफेक्ट करेगी, यही तो वजह है कि हम अथॉरिटी के ऊपर फोकस कर रहे हैं, वरना आंखें बंद करके लगाते जाते, जो भी रेलिवेंट साइट होती है उस पर लगा देते लिंक। लेकिन हमें यही इसीलिए तो अथॉरिटी के ऊपर फोकस करना है कि कल को हम लोग सेफ रहे, उसको कुछ होता भी है हम ऐसी साइट हम काउंट कंसिडर ही नहीं कर रहे होंगे। जो ये मैंने स्टैट्स बताई है ना, जो साइट इन स्टैट्स के साथ जारी होगी वो साइट अच्छी है, उसमें गूगल की तरफ से कोई रिस्क नहीं है। ठीक हो गया, मैंने लिखा हुआ एब्रीवेशन आप अभी बता रहे हैं, डोमेन अथॉरिटी DA, पेज अथॉरिटी PA, ट्रस्ट लो TF, साइटेशन लो CF। तो ये तो मैंने आपको यहां पे पहले सबसे पहले ये बताया है, उसके बाद मैं उधर गया हूं। ठीक है, तो डोमेन अथॉरिटी नाम की अथॉरिटी, पेज अथॉरिटी स्पेसिफिक पेज की अथॉरिटी, ट्रस्ट फ्लो साइटेशन फ्लो बैकलिंक स्कोर, जो उन लोगों ने ऑफर जैसी की हुई है, अपने लिंक शेयर किए हुए हैं उस साइट ने जिससे आप लिंक लेना चाह रहे हो, उसने किस तरह की साइट से लिंक लिए हुए हैं, कहीं वो तो नहीं खराब कि कल को वो हर्ट हो सके, अगर वो हर्ट होंगे तो फिर अल्टीमेटली हम भी हो सकते हैं, इस वजह से हम इन स्टैट्स के साथ जाते हैं। निदा हम भी लगा सकते हैं, वो भी लगा सकते हैं, कुछ साइट्स हैं जहां पे हमें अलाउ होता है, हम चुप करके साइन अप करके लगा देंगे, कुछ साइट्स होती हैं जहां पे हम नहीं लगा सकते, हमें वहां पे कोई कनेक्शन बिल्ड करना पड़ेगा, कोई किसी पर्सन को ढूंढना पड़ेगा जो वहां लगा सकता है, या डायरेक्ट डायरेक्टली रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी फिर लगेगा। ठीक है, तो कुछ साइट्स में हो सकता है कि इवन बहुत अच्छी वो साइट है और वहां पे हमारे रिसोर्सेज नहीं है फ्री वाले, तो हमें उनको पे भी ऑफर करना पड़ेगा, यार हमसे पैसे ले लो, बस हमें यहाँ पे आर्टिकल के अंदर मेंशन कर दो जो नेक्स्ट अपकमिंग आर्टिकल है या पुराना आर्टिकल है। तो किसी ऐसे पर्सन से कनेक्शन बिल्ड करेंगे जिसकी वो अपनी साइट है या जो वहां पे एडिटर है, तो हम उसको पे भी कर देते हैं, लेकिन वो पेड जो लिंक्स हैं वो आप क्लाइंट के बजट पे डिपेंड करता है, और गूगल को नहीं पता आपने पे किया है, उन्हें बस ये पता है लिंक लगा हुआ है, लेकिन हमें पता है वो इतनी अच्छी अथॉरिटी की साइट है कि मान लें कि मिल गया तो मेरी साइट बूस्ट करेगी, तो मैं इवन उसके लिए पे भी कर जाता हूँ। ठीक है, तो डिपेंड करेगा, कुछ साइट पे खुद लग जाएंगे, कुछ साइट्स पे लगवाने पड़ेंगे, फ्री में भी लग जाएंगे, और कुछ में हो सकता है आपको पेड भी जाना पड़े, तो ये सारा मिक्स होके चल रहा होता है जी। जियो है ना, तो जियो की अपनी टीम होगी, उससे भी आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन जियो पे बहुत एक्सपेंसिव होगा वो लिंक, और या जियो के ऊपर फॉर एग्जाम्पल कोई राइटर काम कर रहा है, कोई राइटर एडिटर काम कर रहा है, तो आप अगर उसका कनेक्शन आपको मिल जाए और आप उससे बात कर लें कि भाई आप तो वहां पे रेगुलर लिखते रहते हो, तो जो आपका अपकमिंग कोई आर्टिकल आए जो हमारे से रिलेट कर रहा हो उसमें काइंडली मेरा लिंक मेंशन कर देना, तो आप उसको पैसे दे सकते हैं। अब जियो तो कोई तो नोटिस भी नहीं होगा कि कौन सा लिंक उसने पेड लगाया या फ्री लगाया है, तो वो तो जिस तरह जनरल पहले आर्टिकल लिख रहा था अभी वैसे लिख रहा है, और उसमें लिंक्स भी लगे होते हैं, उन्हीं मल्टीपल लिंक्स में इन बिटवीन आपका लिंक भी आ जाएगा, तो एडिटर जो है पैसे कम लेगा, जियो से डायरेक्ट बात करोगे पैसे ज्यादा लेंगे, तो डिपेंड करता है, हम लोग फाइंड करते हैं। और मैं आपको ब्लॉग आउटरीच करने का मेथड बताऊंगा, वो हमारा पार्ट ऑफ है बैक लिंक्स का, उसके अंदर इंक्लूडेड है। मुझे अभी तक ये बताएं कि ये चीज समझ आई है आपको कि दो बातें, आपने अपने अपनी वेबसाइट को प्रमोट करना है, उसके लिंक्स को प्रमोट करना है, वोट वोट लेने हैं, अब वो कहाँ से लेने हैं, रेलिवेंट साइट से और अच्छी अथॉरिटी की साइट से। रेलिवेंसी तो पता लग जाती है बंदे को, अच्छी अथॉरिटी का पता कैसे लगेगा, तो अच्छी अथॉरिटी में मैं आपको ये स्टैट्स बता रहा हूँ कि PA DA CF TF जो है ये आपने मिनिमम वैल्यूज जो है जिसकी बेस पे लेना है, और अगर आपको बहुत हार्ड लग रहा हो कि ये 2020 सबका नहीं आ रहा, DA PA तो 2020 हो जाता है, TF CF जो है वो 20 तक नहीं जा रहा, तो आप इसको 15 तक भी लेके जा सकते हो, लेकिन TF जो है ना आपका 15 से नीचे नहीं जाना चाहिए TF CF, तो ये इसको 15 तक भी कंसिडर किया जा सकता है। तो मैंने तो अभी जो आपको स्टैट्स बताई हैं ये बड़ी क्रिटिकल स्टैट्स हैं कि चारों की चारों स्टैट्स एट अ टाइम 20 या से ज्यादा हो, तो हो सकता है कोई आधी डाउन भी हो रही हो, तो उस केस में अगर बार बार आप मतलब तो बहुत सारी मेहनत कर रहे हैं लेकिन आपको साइट्स नहीं मिल रही, तो आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं अपने ट्रस्ट फ्लो और साइटेशन फ्लो पे, आप इसको 15 तक लेके जा सकते हैं, PA DA 20 रहने दें।
ठीक है। लेकिन अगर इन स्टैट्स के साथ जाएंगे जो मैंने भी मेंशन की हुई है, तो फिर तो आप बड़ी जबरदस्त किस्म की साइड से लिंक ले रहे हो जिसमें किसी किस्म का कल को कोई इशू नहीं आने वाला मोस्ट प्रोबेबली। तो ये आपकी अथॉरिटी मेजर करने की स्टैट्स हैं। उसके बाद ऑलवेज गो फॉर क्वालिटी नॉट क्वांटिटी। तो क्वालिटी की तरफ जाना है, क्वांटिटी पे नहीं जाना। मैंने आपको बता दिया ना कि आपके किसी एक पेज पे अगर मैं इसको रैंक करना चाहता हूँ तो हो सकता है 5 लिंक्स में लगाऊं मुझे वही रैंक कर जाए अच्छी क्वालिटी के, और अगर आप 500 लिंक लगा लोगे लो क्वालिटी के तो कोई फायदा नहीं होना, बल्कि उल्टा आपको वो हर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अच्छी क्वालिटी के लिंक्स पे जाना है, कम लिंक्स लगे अच्छी क्वालिटी के लगे आप रैंक हो जाओगे। तो ऑलवेज गो फॉर क्वालिटी नॉट क्वांटिटी, क्वांटिटी की तरफ आपने नहीं जाना। तो इन फैक्टर्स के बेस पे साइट्स फाइंड करें और फिर लिंक्स लगाएं। लिंक्स लगाना भी बहुत बड़ी बात नहीं है, मैं आपको करवाऊंगा, और जब आप थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो लिंक लगाना आपके लिए इशू नहीं रह जाएगा। लिंक लगाना आप लोगों को बड़ा आराम से आता होगा जो आप खुद लगा सकते हो। जो असल चीज इसके अंदर मेन टाइम टेकिंग है वो है वेबसाइट्स फाइंड करना जहां पे लिंक लगाना हो। तो रिसर्च जो है ना वो असल में यहाँ पे थोड़ा सा टाइम टेकिंग काम है जो आपको करना पड़ेगा। यहां तक सब क्लियर है तो बताएं मुझे, बैक लिंक्स की टाइप्स बताता हूँ मैं और फिर हम उसके बाद उसको स्टार्ट करेंगे। अब बात सब पता चल जाता है। मैंने आपको ऑन पेज एसईओ वाइंड अप करवाया ना, ऑन पेज एसईओ मैंने पूरी कंप्लीट की, एट द एंड मैंने आपको उसके टूल्स एंड ईच एंड एवरीथिंग शेयर कर दिया। इसलिए किया ताकि आपको अब कंपाइल कर दिया जाए, पता समझ आ जाए कि चीज करनी कैसे। वैसे ही मैं आपको ये करने के बाद ये भी बताऊंगा कि आपका कंपेटिटर बैकलिंक कहाँ से ले रहा है, आप किसी के साथ कंपटीशन में हो, आप जो टॉप 10 वेबसाइट्स हैं फर्स्ट पेज के ऊपर आई हुई हैं उनके बैकलिंक्स कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ कहाँ पे उन्होंने अपने लिंक मेंशन करवाए हुए हैं, हम ये भी फाइंड कर सकते हैं और वहां से ट्रायल कर सकते हैं अपना लिंक लेने की। जी सी एफ मीन्स साइटेशन फ्लो। अगर हमारा 20 से अबव ना हो तो फिर आप वो साइट छोड़ देंगे और कोई और साइट पे चले जाएंगे। तो ये तो उन साइट्स की स्टैट्स चेक कर रहे हो ना जहां से लिंक लेना चाह रहे हो, तो वहां पे आपने 100 साइट्स चेक कर ली है, 100 में से 20 निकल आएंगी, 80 नहीं निकलेंगी। 20 से लिंक ले लो, 80 को छोड़ दो। ये आप बड़ा सेफ प्ले कर रहे हो, बड़ा एहतियात के साथ जा रहे हो, और जब आप काम कर रहे होते हैं और जब फॉर एग्जाम्पल 100 साइट्स आपने चेक की उसमें से 20 साइट्स निकली जो क्राइटेरिया पूरा कर रही थी, बाकी नहीं निकल रही, बाकी 80 जो है ना फ्लॉप की, उन 20 को अपनी एक डेटाबेस बनाओ, वहां पे सेव करके रख लो ताकि कल को दोबारा अगर उस फील्ड का क्लाइंट कोई आए तो आपको फिर से दोबारा इतनी लंबी चौड़ी रिसर्च ना करनी पड़े। तो हमेशा जब हम पहली बार आप करोगे तो मेहनत ज्यादा होगी, साइट चेक करोगे, कुछ अच्छी निकलेंगी कुछ नहीं निकलेंगी, कुछ अच्छी निकली है तो आगे लिंक नहीं दे रही होंगी, ठीक है, तो आप सब कुछ नोट करते जाओगे तो फिर अपकमिंग जो क्लाइंट्स हुआ करेंगे वो आपके लिए मुश्किल नहीं हुआ करेंगे, क्योंकि आपके पास प्योरीफाइड अच्छी लिस्ट पड़ी हुई है जहां पे आप बैकलिंक्स लगा सकते हो फॉर डिफरेंट फील्ड्स, फील्ड के हिसाब से। जी बाबर, रिमूव भी हो सकते हैं। सबसे जो उसका पहला स्टेप है कि आप वेब मास्टर से रिमूव करवाएं जहां पे वो लगे हुए हैं, उस साइट से रिमूव करवाएं। वो नहीं है तो गूगल का भी एक डिसअवाउ टूल है, आप उसको यूज कर सकते हैं, लेकिन वो बात बड़ी बात की बात है। और अगर हम लोग खुद बिल्ड कर रहे हैं और इस तरीके से करेंगे तो फिर हमें कोई इश्यू नहीं आने वाला, वो तो उन लोगों को रिमूव करवाने पड़ते हैं या सब करना पड़ता है कुछ, जो लोग स्पैमिंग की तरफ जाते हैं शुरू में, केयर नहीं करते और इन चीजों का ख्याल नहीं रखते, तो फिर उन्हें अल्टीमेटली रिमूवल की तरफ आना पड़ता है। काशिप बताता हूँ, अभी ये आगे आना है। यहां तक क्लियर है, अच्छी अथॉरिटी क्या होती है, रेलिवेंसी क्या होती है, अथॉरिटी की 4 स्टैट्स क्या हैं, साइटेशन फ्लो, ट्रस्ट फ्लो, पेज अथॉरिटी, डोमेन अथॉरिटी, ये क्लियर है कि ये चेक करते हैं और ये चेक कैसे करना है। जो बल्क में चेक करना है तो TFCF बल्क चेकर मैंने लिखा, पहली साइट ही आई वेबसाइट seochecker.com, इसको ओपन कर लिया, ये और भी मल्टीपल हैं, किसी को भी ओपन कर लें और वहां से आप जाके अपनी मल्टीपल साइट्स के PADA TFCF इकट्ठा चेक कर सकते हैं। तो आपके पास 10 साइट्स हैं, 10 की 10 कॉपी पेस्ट करो, यहाँ पे वेरिफिकेशन रन करो, 10 की 10 साइट्स का आपको सारी स्टैट्स पता चल जाएंगी। फिर आपको पता लग जाएगा कि मैंने इधर से लिंक लेना है या नहीं लेना है, इनमें से किस में से ले सकता हूँ मैं, किस में से नहीं ले सकता, और फिर आप अटेम्प्ट करने की तरफ जाओगे, उसमें बैक लिंक लेने की तरफ जाएंगे। तो यहां तक अगर क्लियर है तो वो बताएं, अगला काम मैं आपको बताता हूँ अभी। बहुत कुछ होता है यार, अभी तो रियल टाइम जब करोगे यही तो बता रहा हूँ, ये प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस करोगे कुछ चीजें तब सामने आएंगी, कुछ चीजें मैं भी सामने ले आऊंगा जब मैं आपको करके भी लिंक्स लगा के भी दिखाऊंगा। यार परेशान क्यों हो रहे हो आप लोग, तो लिंक्स लगा के भी दिखाऊंगा, टेंशन नहीं लेनी है आप लोगों ने, अभी तो मैं सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, मैं आपको प्रॉपर लिंक रियल टाइम लगा के दिखाऊंगा। फेसबुक पे तो आपको लगाना आता ही है, बाकी लगा के दिखाऊंगा। क्लियर है यहां तक? चलें,
अगर यहाँ तक क्लियर है तो अब एक और आपको मैं टूल बता दूं कि अगर आप चाहते हैं कि अगर आपने कोई पेज, मैंने ये टूल बल्क वाला इसलिए बताया है कि यहाँ पे एक ही प्लेस के ऊपर आपको डीए पीए टीएफ सीएफ सब कुछ इकट्ठा मिल रहा है, ठीक है। वरना अगर आप देखें तो आपके पास एक टूल है मोज, मोज एक आपका पेड टूल है। मैंने शायद आप लोगों को जब रैंक ब्रेन का और उसका बताया है एल्गोरिदम अपडेट्स का, तो वहां पे भी आया था ये, तो moz.com, इसको मैं ओपन करता हूँ। ये एसईओ का पेड टूल है, लेकिन हम लोग फ्री अकाउंट भी इसके ऊपर क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे, लॉगिन पे जाएं, यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करके आपने अकाउंट क्रिएट कर लेना है। मेरे पास अकाउंट बना हुआ है तो मैं उसी को लॉगिन करने लगा हूँ। सो रजिस्टर तो कर ही लोगे ना, तो क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करके आपने अकाउंट क्रिएट कर लेना है। क्रिएट करने के बाद आप इसको लॉगिन कर लें। अच्छा, लॉगिन करने के बाद मोज पे आपके पास यहाँ पे आएगा मोज बार, ये लिखा हुआ आ रहा है मोज बार। तो moz.com पे मैं गया, वहां पे लॉगिन पे क्लिक किया, क्रिएट अकाउंट के ऑप्शन पे जा गया, पहले अकाउंट क्रिएट कर लेंगे। मेरे पास क्रिएट हुआ हुआ था तो मैंने स्ट्रेट अवे लॉगिन कर दिया। लॉगिन करने के बाद अगर आप उसके मेन जो डैशबोर्ड पे आएंगे तो ये आपके पास मोज बार का एक ऑप्शन आ रहा है, डाउनलोड मोज बार लिखा हुआ आ रहा है। एक मेथड तो ये है, ये मैंने इसलिए करवाया है क्योंकि अगर आप ये यहाँ से नहीं भी इंस्टॉल करोगे, आप डायरेक्टली एड ऑन इंस्टॉल करोगे तो भी आपको लॉगिन करना पड़ना है, तो इसलिए मैं लॉगिन करके बताया बता रहा हूँ आपको। वरना ये है कि आप लोग गूगल पे आके सिंपल भी लिखें मोज बार तो आपके सामने आ जाएगा। ये देखें मोज बार, यहाँ पे सिंपल लिख के एंटर करें, ये आपके पास मोज बार आ रहा है, ये आपके पास मोज बार आ रहा है। और यहाँ पे क्रोम एक्सटेंशन साथ लिखता तो वैसे ही पहले नंबर भी आ जाना था, ये वैसे आपके फोर्थ फिफ्थ नंबर पे आ रहा है, मोज बार क्रोम के ऊपर पड़ा हुआ है। इसे क्लिक करें, ये आपको स्ट्रेट वे वो क्रोम का जो एक्सटेंशन ऐड करने वाला इंटरफेस है वहां ले जाता है। तो आप लोगों ने इतनी एक्सटेंशन ऐड कर ली नहीं है तो मेरा नहीं ख्याल यहाँ पे कुछ होने वाला है। ऐड टू क्रोम पे क्लिक करें और आप ऐड कर लें, ठीक है। तो यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से करने के बाद भी लॉगिन करना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने पहले लॉगिन करवा दिया है। तो आप मोज पे अकाउंट बनाएं, फ्री अकाउंट, और उसमें ये जो ऑप्शन आ रहा है लॉगिन करने के बाद मोज बार वाला, इसमें आके डाउनलोड मोज बार पे क्लिक करें। ये भी आई थिंक आपको वहीं पे क्रोम पे लेके जाएगा, तो हम लोग क्लिक कर देते हैं। जैसे क्लिक किया ये देखें क्रोम पे लेके जा रहा है, तो गूगल से भी वहां जा रहे थे, यहाँ से भी जा रहे थे, लेकिन यहाँ से जाने का फायदा जो होगा मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि मोज बार में लॉगिन करना पड़ता है, बाद में करें या पहले करें। तो मोज बार के सामने ऐड टू क्रोम लिखा हुआ था, उसे क्लिक किया, ऐड एक्सटेंशन की, और ये भी ऐड होके आपके पास आ जाएगी। फिर मैं इसको यूज करना बता देता हूँ। ये करता क्या है कि जो पेज भी आपने ओपन किया हो उसकी पेज अथॉरिटी डोमेन अथॉरिटी आपके सामने विजिबल कर देता है, आपको सामने दिखा देता है। ये देखें ये मोज ऐड हो गया, ये एम बना हुआ है इस तरह का, और ये ब्लैक एंड व्हाइट आ रहा है इस टाइम, ठीक है। ये आ रहा है आपके पास मोज, इसको मैं पिन कर लेता हूँ ताकि नजर आ जाए, ये मोज बार बना हुआ है। तो अब इस मोज को का फायदा क्या है जी, ये साइट है इसको मैं, या ये जियो वाला जो है पेज, इसको रिफ्रेश करता हूँ मैं। ये जो मोज एम बना हुआ आ रहा है, इस एम को जो है ना मैं क्लिक करता हूँ, ये असल में ब्लू में होगा तो वर्किंग स्टार्ट करेगा, मैं इसको क्लिक करता हूँ मोज को। जैसे मैंने क्लिक किया मेरे पास ये बार आ रही है, एक बार बना हुआ आ रहा है, ठीक है। और इस बार के अंदर मुझे वो कह रहा है क्रिएट अकाउंट और लॉगिन, तो मोज बार ऐड करने के बाद वो आपसे कह रहा है गेट लिंक मैट्रिक्स विद अ फ्री मोज बार। दिखे वो लॉगिन में अभी खुद ब खुद ही चला गया है, क्यों गया है, क्योंकि मैंने वो लॉगिन पहले कर लिया था। अगर आपने नहीं किया होगा तो आपको करना पड़ेगा, तो मोज बार में लॉगिन करने का फायदा ये है। तो मैंने moz.com पे जाके पहले लॉगिन किया हुआ था, तो उसने वही लॉगिन यहाँ पिक कर लिया है, वरना आपने लॉगिन पे क्लिक करके फिर अकाउंट बनाना था मोज में, और फिर आपने यहाँ पे इस तरह से स्टेटिस्टिक्स आपके सामने आनी थी। अब ये पेज है, इस पेज की ये पीए लिखा हुआ आ रहा है, पेज अथॉरिटी 46, ये देखें, और ये साथ लिखा हुआ आ रहा है डोमेन अथॉरिटी 84, ठीक है। तो पेज अथॉरिटी 46 है, डोमेन अथॉरिटी है 84। तो पेज अथॉरिटी आपने अगर वहां पे भी जब चेक की थी टूल के थ्रू, तो यहाँ पे भी देखिए उसने ये बताया था पेज अथॉरिटी 46, डोमेन अथॉरिटी 84। तो आपको पेज अथॉरिटी डोमेन अथॉरिटी हर पेज की जो आप ओपन कर रहे हैं आपको उस पेज के ऊपर ही नजर आ जाएगी, ये मोज बार करने का ये फायदा होता है। लेकिन ये आपको पेज बाय पेज, मतलब जो पेज ओपन करोगे, जो साइट ओपन करोगे, सिर्फ उसका दिखाएगा। अब देखो मैं यहाँ पे स्पोर्ट्स वाला जो है कैटेगरी उसके ओपन करता हूँ, ये वाला पेज, तो यहाँ पे मुझे बता रहा है वो
अभी यहाँ पे अभी सामने ये बार आके आपको इस स्पेसिफिक पेज की अथॉरिटी बताएगा, तो पेज अथॉरिटी चेंज हो जाएगी, डोमेन अथॉरिटी तो सेम ही रहेगी क्योंकि डोमेन अथॉरिटी तो जियो डॉट टीवी की है। ये फुल लोड हो जाता है तो आपको यहाँ पे स्टैट्स बता देगा। रिफ्रेश कर लेते हैं, नजर नहीं आई। स्पोर्ट्स ये आ गया, पेज अथॉरिटीज की 46 है और डोमेन अथॉरिटी 84 है, तो पहले वाले की मेरे ख्याल में उसकी भी 46 थी, तो पेज अथॉरिटीज की भी सेम है। और उसके बाद अगर मैं कोई आर्टिकल ओपन कर लेता हूँ तो उस आर्टिकल की भी मतलब अपनी एक, वो भी एक पेज ही है ना, तो उसकी भी एक पेज अथॉरिटी डिफरेंट होगी। और ये रिसेंट आर्टिकल है मेरे ख्याल है, ये पब्लिश कब हुआ है, इसको एक दो प्रॉपर ओपन होने दें, मैं बताता हूँ आपको। इशू कर रहा है, बार कंफ्लिक्ट कर रहा होगा, मेरे पास एक्सटेंशन ही बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे आपके पास स्टैट्स नज़र आनी चाहिए, मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ दोबारा से। इसकी पेज अथॉरिटी ज़्यादा नहीं होगी क्योंकि ये आपका दिसंबर 8 को पब्लिश हुआ है। देखिए 46 उनकी थी, इनकी है 33 अथॉरिटी है इसकी, ठीक है। तो ये आपको पेज अथॉरिटी 33 बता रहा है, इस पेज की स्पेसिफिक की डोमेन अथॉरिटी 84 है। तो ये जो टूल बार है ये असल में बार करती क्या है कि जो पेज आपने ओपन किया हो ना उसके पेज अथॉरिटी डोमेन अथॉरिटी आपको ऊपर टॉप शो करवा देते हैं, इसका ये फायदा है। और ये जो मैंने आपको दूसरा बताया डीएपीए चेकर, जो वेबसाइट एसईओ चेकर है, इसमें बल्क में आप मल्टीपल साइट्स को एट अ टाइम ही चेक कर सकते हैं। तो जब आप वेब से लिस्ट निकालते होते हैं और वो लिस्ट आपने एट अ टाइम चेक करनी होती है, तो फिर बल्क में असल में चेक हो रहा होता है। और यहाँ पे पीए डीए टीएफ सीएफ इकट्ठा आ रहा है, मोज बार में सिर्फ पीए डीए आ रहा है। और ट्रस्ट फ्लो साइटेशन फ्लो के लिए भी हम लोग अलग से देख सकते हैं, majestic.com है, वो देखना पड़ेगा, लेकिन बेहतर यही है कि आप एक ही प्लेस पे सारे देख लो, वो ज़्यादा बेटर है। तो बहरहाल अगर यूज़ करना हो तो आप कर सकते हैं मोज बार, और इसको कभी भी ऑफ भी किया जा सकता है, क्लिक करें और वापस ही आपका ऑफ हो जाएगा, टर्न ऑफ हो जाएगा, ऑन भी कर सकते हैं आप, ठीक है, रिमूव भी कर सकते हैं, जो भी आप जब यूज़ करना हो कर लें, जब यूज़ नहीं करना ना करें, इट्स अप टू यू, ठीक है जी। तो मोज बार आपको बताया, जो आपको साइट पे बताएगा, इस ये नहीं बताता, मोज बार फ्री है, ट्रायल नहीं लेना, फ्री अकाउंट क्रिएट करना है, फ्री कम्युनिटी अकाउंट बनाना है आपने, ठीक है, फिर आपके पास ये आएगा। बाबर आने तो दो यार, आप अब डू फॉलो अभी से पूछी जा रहे हो, इन्हें ये जो बाकी लोग हैं इन्हें अभी ये नहीं पता लग रहा कि बैकलिंक क्या है, तो बताऊंगा मैं आपको, डू फॉलो नो फॉलो सब बताऊंगा, सिर्फ थोड़ा सा वेट करें, सबको साथ लेके चलना है ना। क्लियर है जी, तो आपको मोज बार भी बता दिया अगर आपने यूज करना हो, वरना बल्क में जो चेकर है यूज कर लें। तो अब मैं प्रिसाइजली आपको वाइंड अप कर रहा हूँ, तो बाबा ठीक है बताता हूँ मैं आपको, बताऊंगा वो भी कवर करेंगे इंशाल्लाह, मिस नहीं होता कुछ, डू फॉलो नो फॉलो सब बताऊंगा। अच्छा तो अब है क्या ऑफ पेज एसईओ, क्या है जी, अपने लिंक उठाओ, प्रमोट करो रेलिवेंट गुड अथॉरिटी की साइट्स के ऊपर, ताकि आपकी क्रेडिबिलिटी बने, अथॉरिटी बने और गूगल आपको रैंक करे। सिंपल बात, इतनी सी बात थी जो पूरा लेक्चर निकाल दिया मैंने बताते बताते, ठीक है। रेलिवेंसी आपको पता लग जाएगा, अथॉरिटी कैसे पता चलेगी, अथॉरिटी की स्टैट्स बता दी कि ये वो अथॉरिटी स्टैट्स हैं जिनसे आपको पता लगेगा कोई साइट अच्छी अथॉरिटी की है या नहीं है। तो क्वालिटी की तरफ जाना है, क्वांटिटी की तरफ नहीं जाना। और एक बात मेरी माइंड में बिठा लें, आप लोग बड़ा सुनेंगे जी इस तरह का बैकलिंक अच्छा होता है, कमेंट वाला बैकलिंक अच्छा नहीं होता, आर्टिकल वाला बैकलिंक बहुत ज्यादा अच्छा होता है, सोशल बैकलिंक काम नहीं करते, ये नहीं होता वो नहीं होता, बड़ी बातें, बड़ी आप क्या सराहियां सुनेंगे, बड़ी जगहों पे मेंशन हुआ भी देखेंगे। मेरी एक बात सुन लें, पहली और आखिरी बात है, वो बात ये है कि दुनिया की कोई भी वेबसाइट हो, मेरी बात पे गौर कीजिएगा, दुनिया की कोई भी वेबसाइट हो, सिर्फ रेलिवेंट हो और अच्छी अथॉरिटी की साइट हो, अथॉरिटी ये आपके पास है, इन स्टैट्स को मीट कर रही हो, दुनिया की कोई भी साइट अथॉरिटी वाइज इन स्टैट्स को मीट कर रही है, और जितनी ज्यादा अच्छा होगा उतना बेहतर है, ये 20 है ना, 40 50 60 70 80, जितना ज्यादा लोग उतना ज्यादा बेहतर है, वही प्राइम मिनिस्टर वाली एग्जाम्पल जो दी थी वो होता जाएगा, ठीक है। लेकिन मैंने मिनिमम आपको बताया ये, तो दुनिया की कोई भी वेबसाइट
जिसकी अथॉरिटी अच्छी हो, मींस कि ये स्टैट्स, और वो रेलिवेंट हो, आप वहां से बैकलिंक ले सकते हैं। वो वहां पे आपको कमेंट करके बैकलिंक मिले, वहां पे मतलब उस पेज पे कमेंट किया जा सके, और कमेंट के अंदर आप लिंक लगा सकते हैं, तो कमेंट करके लिंक लगा दें। वो पेज आपका वीडियो बेस्ड वो साइट है, वो यूट्यूब की साइट है। यूट्यूब के ऊपर किस तरह से आप अपना लिंक मेंशन कर सकते हैं? वीडियो के अलावा आप नहीं कर सकते, कमेंट में जा सकते हैं, लेकिन वीडियो के अलावा मेन चीज वहां पे है। या कमेंट के अंदर आप कर सकते हैं कि कोई वीडियो पब्लिश हुई है, उसके कमेंट के अंदर कमेंट करें और साथ लिंक ऐड करें, या आप अपनी वीडियो बना के पब्लिश कर सकते हैं और उसके डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक लगा सकते हैं। और यूट्यूब के ऊपर कोई दूसरा वे नहीं है लिंक लगाने का, ये बात आपको पता है, या नहीं पता तो मैंने बता दी है। तो दुनिया की कोई भी वेबसाइट, वो वीडियो वहां पे पब्लिश करके लिंक मिल रहा हो, वहां पे फोटोज पब्लिश करनी पड़े, वहां पे आर्टिकल पब्लिश करना पड़े, वहां पर कमेंट करना पड़े, वहां पर आपको स्लाइड शो बना के पब्लिश करना पड़े, वहां पे आपको पीडीएफ शेयर करनी पड़े, हर साइट की एक डिफरेंट नेचर है ना। तो दुनिया की कोई भी वेबसाइट है, वो जिस तरह से भी लिंक अलाउ करती है, हम उस तरह से लिंक लेने की कोशिश करेंगे। शर्त क्या है कि रेलिवेंट हो वो साइट, या उसके अंदर रेलिवेंट कैटेगरी एग्जिस्ट करती हो, और वो गुड अथॉरिटी की साइट हो। रेलिवेंसी आपको फौरन पता लग जाएगा, ये हम वी आर ह्यूमन, हमने मैनुअल लगा रहे हैं, तो हमें इसमें कोई मसला नहीं आने वाला। गुड अथॉरिटी की स्टैट्स मैंने आपको बता दी, ये दो चीजें चेक कर ली, अगर ये दो चीजें मीट कर रही हैं वो, तो आप उसके ऊपर जाके लिंक लगा सकते हो। वो दुनिया की कोई भी वेबसाइट है, और वो किसी भी तरह से वहां पे लिंक लगता है। वहां आर्टिकल पब्लिश होता है, हम आर्टिकल पब्लिश करेंगे। वहां पे इमेज शेयरिंग करने के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते, तो हम इमेज बना लेंगे, इमेज शेयर कर देंगे। वहां पे वीडियो के अलावा कुछ नहीं हो सकता, हम वीडियो पब्लिश कर देंगे। वहां पर कमेंट के थ्रू ही लिंक मिल सकता है, हम कमेंट कर देंगे। ठीक है, तो जिस तरह की वो वेबसाइट है, हम उसी तरह का काम करके उससे लिंक लेने की ट्राई करेंगे। तो ये बात अपने जहन में बिठाइएगा, कोई लिंक अच्छा है, कोई लिंक बुरा है, जी कमेंट करके भी लिंक अच्छा नहीं होता, आर्टिकल लिंक अच्छा हो ज्यादा होता है। हाँ, थोड़ी बहुत प्रायोरिटी है, थोड़ी बहुत वेटेज है, एडवांटेज थोड़ा ज्यादा है, क्वालिटी लिंक की उसकी जो अथॉरिटी है, क्रेडिबिलिटी उससे जो ट्रांसफर होती है आपको, वो ज्यादा अच्छी होती है। लेकिन ये नहीं है कि कमेंट वाला लिंक अब यूजलेस हो गया, उसका भी अपना यूज है। अगर वो रेलिवेंट है और गुड अथॉरिटी की साइट पे लगा हुआ है, तो उसका भी आपको फायदा होगा, वो भी आपको नुकसान नहीं देगा। ठीक है, इवन कि एक डायरेक्टरी है जहां पे जाके आप बिजनेस की वेबसाइट को सबमिट कर रहे हो, अगर उस डायरेक्टरी की स्टैट्स भी ये सब पूरी हो रही है, जैसे फोन डायरेक्टरी होती है ना, ऐसी बिजनेस डायरेक्टरीज होती हैं, तो आप वहां पे जाकर अपने बिजनेस को लिस्ट कर रहे हो, आप वहां पे जाके अपनी वेबसाइट को लिस्ट कर रहे हो, और ये स्टैट्स वो डायरेक्टरी पूरी कर रही है, और वहां पे रेलिवेंट कैटेगरी भी है, या वो खुद रेलिवेंट है, टोटली रेलिवेंसी है आपके साथ, तो ठीक है, आप लगाएं वहां जाके। अक्सर लोगों आप देखेंगे वो कहेंगे जी डायरेक्टरी का लिंक अच्छा नहीं होता। भाई क्यों अच्छा नहीं होता? क्योंकि ज्यादातर लो क्वालिटी होते हैं, और बगैर चेक किए ये चीजें अगर आप लगाओगे तो फिर हाँ सुसाइड है। लेकिन अगर ये चीजें आप चेक कर रहे हो, तो फिर क्या अच्छा बुरा नहीं है? अगर ये स्टैट्स उसकी पूरी है तो अच्छा है, आप लिंक लगा सकते हैं। तो ये मैंने आपको एक एक सीधी बात कर रहा हूँ, जो स्ट्रेट बात है वो ये है कि दुनिया की कोई भी वेबसाइट है, अगर उसकी अथॉरिटी स्टैट्स अच्छी हैं और वो रेलिवेंट है, उसके अंदर रेलिवेंट कैटेगरी है या रेलिवेंट ओवरऑल रेलिवेंट है, आप उसके ऊपर बैक लिंक लगा सकते हैं जाके, आप वहां पे अपना लिंक ऐड कर सकते हैं। इतनी सी बात है, यहाँ बात खत्म हो जाती है लिंक लगाने के मामले में। आप अपनी वेबसाइट बना रहे हो, सिर्फ इस चीज पे फोकस करो। आप क्लाइंट की वेबसाइट पे काम कर रहे हो, सिर्फ इस चीज पे फोकस करो। उसके बाद फिर आगे एडवांस चीजें हैं कि हमारे कंपेटिटर जहाँ पे लिंक लगा रहे हो, जब लगे हो उनके, हम वहां से भी लिंक ले सकते हैं। वो कंपेटिटर्स के लिंक चेक कैसे करते हैं, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, वो भी हम कर सकते हैं। लेकिन जो एक जनरल कॉन्सेप्ट है ना, वो आपका ये होना चाहिए कि कोई साइट किसी भी तरह की है, आप उस पर लिंक लगा सकते हैं, सिर्फ अच्छी अथॉरिटी की होनी चाहिए और रेलिवेंट होनी चाहिए। तो यहां तक ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। अब इसके नीचे टाइप्स ऑफ बैकलिंक्स यहाँ लिखा हुआ आ रहा है, ये सिर्फ नाम आज आपको दिखाऊंगा, बाकी इसको कल से हम स्टार्ट कर देंगे प्रैक्टिकली वन बाय वन अप्लाई करना। ये क्या है फिर? अगर दुनिया की कोई भी साइट है जो अच्छी अथॉरिटी की है और जिसके रेलिवेंसी है, हम उस पर लिंक लगा सकते हैं, तो फिर ये टाइप ऑफ बैकलिंक्स क्या है? टाइप ऑफ बैकलिंक्स ये हैं जो मैंने अभी आपको साइट से गिनवाई है। दुनिया में बहुत तरह की साइट्स हैं, कुछ वीडियो शेयरिंग साइट्स हैं, कुछ फोटो शेयरिंग साइट्स हैं। सर टूल्स भी हम कोई भी जो बेस्ट और जी कर सकते हैं जी, काफी है, बस सिर्फ आपको वाइंड अप कर रहा हूं। तो और पूरे लेक्चर का अगर आप बाद में सोचोगे ना, निचोड़ निकालोगे, तो लिटरली मैंने आपको को बहुत ज्यादा नहीं करवाया, मैंने सिर्फ कॉन्सेप्ट के ऊपर आज पूरा फोकस किया है। बैकलिंक्स का शिफ्ट क्वालिटी, क्वालिटी के ऊपर काम कर रहे हो तो कोई लिमिट नहीं है, लेकिन क्वालिटी का जब काम हो रहा होता है ना, तो लिमिट ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाती है। आप बहुत बल्क में बहुत ज्यादा ज्यादा नहीं लगा सकते, और हम लोगों ने बल्क में बहुत अग्रेसिव इकट्ठे एक एक दिन में इतने इतने बैकलिंक्स लग रहे हो, वो काम नहीं करना। ये स्लो प्रोसेस है, स्लो स्लो कर रहे होते हैं, हम चीजें करते हैं और फिर देखते हैं क्या इफेक्ट हो रहा है, फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, फिर आगे जाते हैं। ये सब चीजें होती हैं इसको।
ठीक है जी। तो दुनिया की कोई भी साइट अगर आप अपने लिए काम कर रहे हो भाई, तो चुप करके ये मेरी स्टैट्स को फॉलो करो, ये स्टैट्स उनमें पूरी हैं और रेलिवेंट साइट है तो लिंक लगाते जाओ, जिस तरह की भी है लगाते जाओ। अब नीचे टाइप ऑफ बैकलिंक्स के हैं, टाइप ऑफ बैकलिंक्स मैं आपको इसलिए दिखाऊंगा क्योंकि मैं खुद ही तो कह रहा हूँ कि कोई भी दुनिया की साइट हो, किसी भी तरह की हो, अगर रेलिवेंट है और अच्छी अथॉरिटी है तो लिंक लगा लो। तो फिर ये टाइप ऑफ बैकलिंक्स क्या है? टाइप ऑफ बैकलिंक्स ये है कि दुनिया में जो डिफरेंट तरह की साइट्स है ना, वो आप लोगों ने उसमें लिंक लगाना भी तो सीखना है। अब मैं तो बता रहा हूँ आपको, इजी कर रहा हूँ कि वीडियो साइट है तो वीडियो बना के पब्लिश कर दो, इमेज साइट है तो इमेज बना के पब्लिश कर दो। तो लोग क्या होते हैं, लोग उन टाइप्स का नाम लेके आपको मेंशन कर रहे होते हैं और सिर्फ बैक लिंक्स भी सेल होते हैं। एक तो पूरी कैंपेन है ना कि पूरा बैक लिंक्स का प्रॉपर कैंपेन चलाओ, कहाँ से लिंक लेना है कहाँ से नहीं लेना, लो और बस रैंकिंग ला के दो क्लाइंट को। समटाइम क्लाइंट्स लोग आपके पास आते हैं और आ कहते हैं जी मुझे ना वीडियो लिंक चाहिए, वीडियो साइट्स के लिंक चाहिए, मुझे ना स्लाइड शेयर साइट्स के लिंक चाहिए, मुझे ना वेब 2.0 के लिंक चाहिए, मुझे आर्टिकल शेयरिंग के लिंक चाहिए, मुझे डायरेक्टरीज के लिंक चाहिए, मुझे इमेज शेयरिंग साइट्स के लिंक चाहिए। इस तरह से आगे डिफरेंट लोग आपसे डिफरेंट टाइप्स के लिंक्स भी मांग लेते हैं, वो भी इंडिविजुअल सेल होते हैं। तो फिर आपको पता होना चाहिए कि इमेज शेयरिंग की साइट्स कौन सी होती हैं, एक दो का पता शायद हो, और कैसे निकालनी है, वीडियोस की साइट्स कौन सी होती हैं, यूट्यूब का पता है, डेली मोशन का पता है, और भी साइट्स हैं वो कैसे निकालनी है, फिर उस पर लिंक लगता कैसे है, फिर इस तरह से आर्टिकल शेयरिंग की साइट्स हैं वो वहां पे लिंक कैसे लगता है, तो फिर आपको उनका पता होना चाहिए। तो ये जो टर्म्स है लोग असल में इंडिविजुअल लेवल पे भी मांग रहे होते हैं, परचेज कर रहे होते हैं, तो फिर हमें इनके साथ अवेयरनेस होना जरूरी है। तो उन बेसिस के ऊपर ना जो टाइप्स ऑफ बैक लिंक्स हैं उन वो आपके सामने यहाँ पे मेंशन हुई हुई है कि दुनिया में जिस तरह की डिफरेंट तरह की जो वेबसाइट्स है ना उनका असल में नाम मेंशन किए हैं। ये आप देखो यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारा का सारा आपको क्या नजर आ रहा है, डायरेक्टरी सबमिशन लिखा हुआ है, डायरेक्टरीज होंगी कोई, सोशल बुक मार्किंग, सोशल शेयरिंग, सोशल शेयरिंग है ये, वेब 2.0 क्या होता है मैं बताऊंगा, फॉरम पोस्टिंग कमेंटिंग क्वेश्चन आंसर साइट्स होती हैं, ब्लॉग कमेंट्स, कमेंट्स में लिंक्स लगाते हैं, आर्टिकल सबमिशन की साइट्स होती हैं, प्रोफाइल क्रिएशन की साइट्स होती हैं, इन्फोग्राफिक्स, इन्फॉर्मेशन इन ग्राफिकल फॉर्म उधर उनकी साइट्स होती हैं, स्लाइड शेयर की साइट्स होती हैं जहाँ पे स्लाइड शेयर की भी जा सकती हैं। आप लोग अक्सर प्रेजेंटेशन बनाते हुए स्लाइड शेयर डॉट नेट या स्क्राइब स्क्राइब्ड वगैरह पे गए होंगे, नहीं ये तो बता दूंगा मैं। इमेज शेयरिंग की साइट्स होती हैं, वीडियोज की साइट्स होती हैं लाइक यूट्यूब, ऑडियो शेयरिंग की साइट्स होती हैं जहाँ पे ऑडियो साउंड और डिफरेंट चीजें शेयर की जा सकती हैं, रिव्यू सबमिशन की साइट्स होती हैं, प्रेस रिलीज न्यूज वगैरह जो होती हैं उनकी साइट्स होती हैं, ब्लॉग आउटरीच क्या होती है इस पे बात करेंगे, लोकल बिजनेस है तो फिर साइटेशन, लोकल लिस्टिंग्स होती हैं, ये बिजनेस डायरेक्टरीज होती हैं जहाँ पे जाके अपना बिजनेस लिस्ट कर सकते हो आप, लाइक येल्प हो गया, वाइट पेजेस हो गया, येलो पेजेस हो गया, फिर उन पे रिव्यूज बिल्डिंग होती है। तो ये डिफरेंट तरह के साइट्स की बेस पे ना नाम रखे गए हैं और नाम मैंने वो यूज किए हैं जो लोग मैंशन करके आपसे इनमें स्पेसिफिक टाइप के लिंक्स भी मांग सकते हैं। कोई आगे आपको ये लिंक मांग सकता है, कोई आके आपसे ये लिंक मांग सकता है, कोई आके आपसे ये वाला लिंक मांग सकता है, तो इनके साथ अवेयरनेस होना जरूरी है। अगर अपने लिए काम कर रहे हो तो डिसरिगार्ड ये सारी चीजें छोड़ें, डिसरिगार्ड तो दिस, ये जो आपका जो मेन चीज ये वाली ऊपर वाली है ना, इस पे फोकस करना है बस। लेकिन अगर आप सेल कर रहे हैं, आप क्लाइंट्स के साथ भी डील कर रहे हो, तो क्लाइंट जब इनके नाम यूज कर रहे हैं तो नाम के साथ अवेयरनेस होना भी जरूरी है। तो जो डिफरेंट वेबसाइट्स होती हैं उन पे लिंक्स कैसे लगाते हैं उनके साथ मैं अवेयरनेस भी आपके क्रिएट करवाऊंगा और उनके ऊपर लिंक लगा के भी दिखाऊंगा। तो ये टोटल हमारे पास 10 15 15 16 के करीब जो है ना, ये टोटल टाइप्स ऑफ बैक लिंक्स हैं जिनको हम लोग करेंगे और दो दो तीन तीन हम डेली बेसिस पे इंशाल्लाह करते जाएंगे और अगले कुछ दिनों में हम इसको कंप्लीट कर देंगे। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो वैसे ही जब वाइंड अप करने लगेंगे तो लिंक लगाना आपको आ चुका होगा, साइट से अवेयरनेस आपकी हो चुकी होगी, तो मैं वाइंड अप वैसे ही करूंगा जैसे मैंने पहले वाला वाइंड अप किया है कि वो कौन से टूल्स हैं जिनसे हमें अपने कंपेटिटर्स के बैक लिंक्स हंट कर सकते हैं हम लोग और उसके बाद हम उस पर लगा सकते हैं। तो उसकी वो उस तरह का कंपाइल करेंगे हम सारा जिस तरह से हमने ऑन पेज एसईओ को किया है। ठीक है, तो कल से हम पहले जरा अवेयरनेस लेके इन पे बैक लिंक्स लगाना स्टार्ट करेंगे, बेसिक्स क्लियर करेंगे और फिर हम उस तरह एडवांस चीजें जो है उसकी तरफ जाएंगे। ठीक है, तो ये नाम है सिर्फ, ये आपके साथ डॉक्यूमेंट तो ऑलरेडी शेयर्ड है और ये सिर्फ नाम लिखे हुए हैं, कल वन बाय वन हम इनसे जाना आगे स्टार्ट कर देंगे। तो आज का लेक्चर मैंने सारा अवेयरनेस पे दिया है। ठीक है, अवेयरनेस पे इसलिए क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट आना होना जरूरी है। तो टेक्निकली काम अच्छा कर लिया, अब वोट्स इकट्ठे कर रहे हैं, अच्छे वोट्स लेने हैं ताकि हम अच्छा रैंक हो सकें। जी, पिंटरेस्ट पे इमेज शेयर कर दोगे, सोशल लिंक भी है और इमेजेस वाली साइट भी है, इमेजेस का लिंक भी है, तो इमेजेस इमेज की साइट है वो। क्लियर है? नहीं, पिक के साथ टेक्स्ट होता है, पिक तो वो
भूल गए हो मैंने इमेज ऑल टैग क्यों लगवाया था, गूगल इमेज को रीड नहीं करता, तो इमेज शेयर होगा लेकिन साथ डिस्क्रिप्शन वगैरह में लिंक लगा देंगे, क्योंकि इमेज शेयर किए बगैर वहां पे लगा नहीं सकते, इस वजह से हम इमेज शेयर कर देंगे, तो जैसी वो साइट है हम वो वाला काम कर देंगे, सिंपल इज दैट, ये बात है। तो बताएं क्लियर है आज का, आज मैंने आपको कुछ भी नहीं सिर्फ बताया ऑफिस एसईओ है क्या, सिर्फ मेन कॉन्सेप्ट दिया उसका, कुछ भी और नहीं किया। तो अभी जो पहले वाला रहता है वो कवर कर लेना, अकाउंट्स प्लीज बनाएं, प्रोफाइल्स क्रिएट करें, अप्लाई करें। नूर ने मुझे बताया था कि इनको 3 जॉब्स मिल गई हैं, माशाल्लाह। नूर मुझे डिटेल शेयर कीजिएगा मेरे साथ, बाकी लोग भी कोशिश करें, बाकी प्लेटफॉर्म्स भी अकाउंट बनाओ। इमेज ऑल टैग में यार प्रॉपर एक्सप्लेन करते हैं व्हाट इमेज इज ऑल अबाउट, और उसमें साथ हम कीवर्ड भी यूज करते हैं। स्लग आप वो डैश डैश के साथ कंफ्यूज कर रहे हो, वो तो रीनेम करते हुए किया था हमने। अली रजा क्या नीड है, किस तरह की स्क्रैपिंग चाह रहे हो, क्या करना चाह रहे हो? चलें गुड हो गया, जबरदस्त हो गया। चलें आज के लिए इतना ही, बाकी क्वेश्चंस आप जो भी आपके माइंड में है आप क्वेश्चंस पूछे, कल से इंशाल्लाह हम इसको आगे फर्दर लेके चलेंगे। जी करवा लें मुझे, मिल जाएगी मिल जाएगी, परेशान क्यों हो रहे हैं, टेंशन क्यों ले रहे हैं आप लोग, हिम्मत करें बस, कमिटेड रहे, कमिटमेंट इज द की, कमिटमेंट करके और जो बंदा फोकस करके लगा रहेगा वो कामयाब है। जी आलिया वेरी करता है, और एक्सपीरियंस पे भी है और एरियाज के ऊपर भी है, किस एरिया में से आप कर रहे हो। देखिए इम्प्रेशंस आ रहे हो, क्लिक्स भी आ रहे हो, तो दैट मींस आपका जो टाइटल पिक्चर जो भी आपने लगाया मेन, वो आपका काम कर रहा है, लोग उसको देख रहे हैं, लोग अट्रैक्ट भी हो रहे हैं, लोग क्लिक भी कर रहे हैं, आपके गिग में एंटर भी हो रहे हैं। अब आगे सेल नहीं हो रही तो दैट मींस कि गिग के ऊपर कुछ ना कुछ है, कुछ ना वहाँ इन्फॉर्मेशन क्लियर नहीं है, प्राइसिंग ज्यादा है, कुछ ना कुछ वहां पे है, उस पेज को देखें इम्प्रूव करें, तो मुझे बता दें कि कितने क्लिक्स आ रहे हैं पहले। जी अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र सर। सर मेरे ना कुछ क्वेश्चंस हैं सर। जब जी हम ऑन पेज एसईओ ऑफर करते हैं तो फिर हम वो उसके जो चार्जेस हैं वो हम पेजेस की बेस पे लेते हैं या फिर उनकी पोस्ट की बेस पे लेते हैं? लाइक किसी के पेजेस बहुत ज़्यादा हैं लेकिन पोस्ट कम है, लेकिन कुछ के पेजेस कम है लेकिन पोस्ट ज़्यादा है, तो उस देखो हिसाब एक से हम कैसे चार्ज करेंगे? पोस्ट को अलग अलग ना करो, पेजेस हो, पोस्ट हो, कैटेगरीज हो, जो भी हो जिनके साथ हमें काम करना है हमने उसको पेज कंसिडर करना है, तो पोस्ट इज इक्वल टू पेज ही है जब पेज की बात करते हैं। अब 10 10 पोस्ट हैं, 5 पेजेस हैं, 15 टोटल हैं, हमें तो 15 के साथ काम करना है ना, जी सर, तो हम 15 के साथ काम करेंगे, हम 15 के अकॉर्डिंगली देंगे। तो सिर्फ पेज पोस्ट नहीं है, ओवरऑल जितने पेजेस के साथ जितनी पोस्ट के साथ हमें डायरेक्टली काम करना है, उनके मेटाज ऐड करने हैं, सब काम परफॉर्म करके देना है, उनको काउंट करना है, ओवरऑल काउंट करना है। यानी कि सर हम मेटाज और ये सब कुछ तो पोस्ट पे ऐड करते हैं ना, पेजेस पे तो मेटाज वगैरह डिस्क्रिप्शन तो ऐड नहीं होती। पेजेस पेजेस अब जरूर सर्विस पेजेस डाले हैं उन्होंने, सर्विस पेजेस, तो सर्विस पेजेस को ऊपर कीवर्ड ऑप्टिमाइज नहीं करोगे, जी, बिल्कुल सर, तो वो जिस पेज को आप रैंक करना चाहते हैं उस पे मेटाज आने ही आने हैं, मतलब छोड़ ठीक भी है। सकते हैं, नहीं भी ऐड कर सकते, लेकिन हम जो काम कर रहे हैं हम पेजेस पे और पोस्ट पे दोनों पे मेटाज ऐड करेंगे। सिर्फ प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म कंडीशंस, कोई इस किस्म के पेज हो तो वहां बेशक ना भी करें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन जो मेन सर्विस पेजेस वगैरह हैं जिनको उसने रैंक करना है वहां पे तो ऐड करेंगे, तो हम फिर
कलेक्टिवली बताते हैं कि भाई टोटल आपकी वेबसाइट पे इतने पेजेस हैं और हम पेजेस पोस्ट मिला के, मतलब हम उसको पोस्ट भी पेज ही है तो हम उसको बताते हैं कि इतने पेजेस हैं और हमने इस पे काम करना है तो उसके इतने पैसे होंगे। हमने तो सर बेसिकली वो पोस्ट एडिट करनी सीखी है ना, तो पेज का मुझे इतना क्लियर नहीं है कि पेज कैसे एडिट करते हैं। सेम सेम, कोई फर्क नहीं है। वर्डप्रेस ने पेज पोस्ट सेक्शन इसलिए अलग किए हुए हैं ताकि जो स्टैटिक, जो आप चीजें, जो आप स्टैटिक पेजेस हैं जो चेंज नहीं करते हो आप, वो आप पेजेस में रख लो, और जो पोस्ट वाला सेक्शन है वहां पे नए नए आर्टिकल रोज बर रोज आ रहे होते हैं तो वहां पे आप फिर वो अपडेट कर रहे होते हो, तो इसलिए ये बड़े पीछे चले जाएंगे या उसमें ऑर्गेनाइज प्रॉपर नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए इनको साइड पे रखो ताकि जब मर्जी आगे कभी एडिट करना पड़े तो कर लेना। तो ये है, वरना पेज हाँ पोस्ट कुछ भी एक ही चीज होती है। ठीक है सर। हाँ जी, और दूसरा क्वेश्चन ये है कि जब वेबसाइट पे आ गए, जब हमने कल ना देखा था स्क्रीमिंग फ्रॉग पे, तो किसी के मेटास थे, किसी के नहीं थे, कुछ डुप्लीकेट्स है, तो जब हम वेबसाइट पे जाके उसके पेज को देखेंगे तो हमें कैसा पता, कैसे पता चलेगा कि कौन सा किसका मेटा गायब है या किसका डुप्लीकेट है? अब लिंक भी तो आ रहे थे ना, जी पहले लिंक आ रहा था, लिंक के बाद एक कॉलम था और उससे अगले दो कॉलम छोड़ के फिर आ रहा था मैं एक टाइटल वन का जिसमें मेटा टाइटल था, फिर डिस्क्रिप्शन वन जिसमें मेटा डिस्क्रिप्शन थी, तो उसके साथ उस सामने उसका स्टार्ट में पहले कॉलम में इसका लिंक भी दिया हुआ है ना, तो पता लग जाएगा उस लिंक को ओपन करेंगे ये कौन सा पेज है। यानी कि लिंक ओपन करके वहां पे जाके फिर हम एडिट ओपन करेंगे। करके आपको पेज का पता चल जाएगा, आप वो सर्च भी कर सकते हो अपने डैशबोर्ड में, या अगर आप लॉग इन हैं वर्डप्रेस के अंदर तो जैसे ही आप उस पेज पे जाएंगे आपके पास टॉप पे एडिट का ऑप्शन भी आ जाएगा, डायरेक्टली भी एडिट में जा सकते हैं। ठीक है सर। और दूसरे नंबर पे तीसरे बात यह है कि कल जो स्क्रीमिंग फ्रॉग पे हमने सिर्फ HTML को सिर्फ सिलेक्ट किया था, हालांकि वहां पे जावा वगैरह के भी थे, तो हमने सिर्फ HTML को क्यों किया था? देखिए वहां पे अपने आ रहा था ना, वहां पे इमेजेस भी आ रहे थे, वहां पे CSS भी आ रही थी, वहां जावास्क्रिप्ट भी आ रही थी, वहां काफी कुछ आ रहा था। अब जावास्क्रिप्ट के मैटर्स तो हमने ऐड नहीं करने ना, ना ही वो पेज होता है, वो तो एक स्क्रिप्ट है, तो वो स्क्रिप्ट भी उसने इसके अंदर ऐड किया हुआ था, तो वो स्क्रिप्ट मिला के 250 पेजेस बता रहा था मुझे, JS CSS सब कुछ, पर मैटर्स तो ऐड करने हैं मैंने, या पेजेस के ऐड करने हैं, या पोस्ट के करने हैं, या कैटेगरी के करने हैं, तो असल में तो मुझे उनकी लिस्ट चाहिए थी, तो उनकी लिस्ट वो HTML पेजेस है, स्क्रिप्ट्स वगैरह के मैटर्स ठीक तो ऐड ही ना होते, तो बैकएंड की चीजें हैं। इस वजह से मैं क्लीन किया था कि वो जो अंदर स्क्रिप्ट्स आ रही हैं खत्म हो जाएं तो जो मेन पेजेस हैं सिर्फ वो मुझे नजर आए। ठीक है सर। और सर आपने ऑडिट करने के बाद जो वो क्लाइंट को इनबॉक्स में कुछ लिंक सेंड किए थे, जैसे आप कह रहे थे कि इसमें कुछ स्क्रीनशॉट हैं, कुछ वो हैं और चीज़ें हैं, तो वो कैसे आपने ऐड किए थे? कहां पे ऐड किए थे? तो वो सर वो क्लाइंट के साथ चैट के दौरान आपने ना हर हर जो आपने पॉइंट बुलेट एक्सप्लेन की थी उसके साथ एक लिंक भी दिया हुआ था। वो मैंने लिंक ऑसम स्क्रीनशॉट मैंने आपको उस दिन बताया ना, जिसमें डायमेंशन बता रहा था इमेज की, जी ऑसम स्क्रीनशॉट एक्सटेंशन है, मैंने वो यूज की हुई है। मैं उस दिन आपको जब इमेज का वो डायमेंशन बता रहा था कितने साइज का इमेज अपलोड करें जी सर तो मैं उसको यूज कर रहा था ना, तो ये वही एक्सटेंशन है, उसमें इमेज आप वो क्रॉप करके, मतलब जितने पार्ट में भी आपने कैप्चर करना है कैप्चर करके आप उसको लिंक बना के शेयर कर सकते हैं लोगों के साथ। ठीक है सर। और एक और बात सर, जब वो ये जो स्पीड फिक्सेस हैं ऑन पेज पे, तो हम इसको SEO के साथ मेंशन कर सकते हैं स्पीड फिक्सेस को, और या फिर SEO के साथ ही हम इसे दें, स्पीड फिक्सेस भी कर उसे सकते हैं ऑफर लेकिन कर दें? इसके चार्जेस ज्यादा होंगे, कर सकते हैं, चार्जेस ठीक है सर। और एक्स्ट्रा आखिरी होंगे। क्वेश्चन ये है, ठीक है सर, और आखिरी क्वेश्चन ये है कि सॉफ्टवेयर के जो क्रैक्स होते हैं तो वो यूज करना सेफ होता है? क्योंकि एक बार मैंने कोशिश की थी लेकिन वो थ्रेट वार्निंग वगैरह आने शुरू हो गए थे। आप कहाँ से ले रहे हो, मैं कहाँ से डाउनलोड? सर गेट इन टू पीसी। आप ना एक है पायरेट, पायरेट वेब है ये ना, टॉरेंट के लिए है सर वो, उसको यूज कर सर लें, वहां उसमें से भी? ना जी। क्रैक में यार थोड़ा बहुत इश्यू तो होता ही, लेकिन वहां पे ना वो दो चीज, दो ऑप्शन आ रही होती हैं, एक आ रहे होते हैं पीयर्स आ रहे होते हैं और एक लेचर्स आ रहे होते हैं, इस तरह दो ऑप्शन आ रही होती हैं, ठीक है तो सर, जिसके पीयर्स ग्रीन वाले ज्यादा हो आप उसको ट्राई किया करें, वो उस समय लोगों ने उनको फीडबैक दिया होता है, वोट दिया होता है, तो वो जरा थोड़ा सेफ हो जाएगा, वरना तो क्रैक है, क्रैक भी अब जारी बात है, हम लोग वो बाय करके तो यूज कर नहीं रहे, तो रिस्क तो लेना पड़ता है। बिल्कुल सर, क्योंकि उस पर एक बार किया था तो उस पर भी थ्रेट वार्निंग आ रही थी कि ये वगैरह मुझे सर ये हैकिंग के लिए होते हैं जो थ्रेट वार्निंग होते हैं, इससे हमारा डाटा मुझे लगता है कि अनसेफ हो जाता है।
नहीं बस होया यार, लेकिन आप ना बस वही थोड़ा बहुत रेटिंग देख लिया करो कोई अगर टूल इंस्टॉल करना उससे पहले, बाकी कोई एंटीवायरस वगैरह रख लो सिस्टम में ताकि इस तरह के इश्यू से बचा जा सके, नहीं तो फिर चलो वही सर, हाल तो है मुझे पड़ेगा। जी यानी कि इसका पेड़ के अलावा यानी कि वायरस से कोई हमारा हम बच नहीं सकते बगैर पेड़ खरीदे। आप एंटीवायरस रख लो और साथ जरा डाउनलोड करने से पहले चेक कर लिया करो वहां पे जो वोट्स वगैरह जो रिव्यूज वगैरह हैं वो क्या है उसके हिसाब से करो। सर वो डाउनलोड करने से पहले कहते हैं कि अपना एंटीवायरस बंद कर दें, फायरवॉल बंद कर दें। तो इसलिए है ना एंटीवायरस चेक कर रहा होता है इसलिए तो है, तो आप उसकी ठीक फाइल्स को है स्कैन सर, करके उसके बाद कर लिया करें, बाकी ये कि फीडबैक चेक करके फिर उसको डाउनलोड किया करें। ठीक है सर। और सर एक और चलो रह गया, और अगर हम ऑन पेज एसईओ के दौरान हमें कुछ हमारे रह गए हैं ब्रोकन लिंक्स हैं, तो अगर वो हम अगर वो कुछ ब्रोकन लिंक्स डिलीट हुए हुए हैं उनके, तो उनको हमें कुछ नहीं पता चलता, जैसा कि उसने आगे मॉडिफाई किए हुए हैं लिंक, तो सिर्फ यूज्ड के थ्रू हम पता लग जाएगा हमें, या फिर हमें इसके अलावा और कोई भी टूल इस्तेमाल करना पड़ेगा? नहीं, मैंने आपको कस्टम 404 नहीं बनवाया था जी जी सर, तो बस वो बनाएंगे ना, अगर अगर वो नहीं पता कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है लेकिन ब्रोकन है उसको ठीक करना है तो उसके बेहतर हम कस्टम 404 पेज हमने जो बनाया उस पर भेज देते हैं, और अगर हमें पता है कि कहाँ पे जाने हैं तो वो रीडायरेक्शन प्लग इन। ठीक है सर, यानी कि हाँ ये जी, इनफ होगा, उसके अलावा हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। नहीं, और तो कोई जरूरत नहीं है आपको। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। ये क्वेश्चन आज मैं इस वजह से पूछ रहा था क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का इश्यू था, मैं लेक्चर लाइव नहीं ले सका। चलें कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच सर, अल्लाह ओके हाफिज़। हाफिज। बात शो हो रहे हो आप आलिया आयरलैंड में, तो आप देखिए स्किल के बेस पे आपने करना है, अगर आपने अपने एड्रेस में आयरलैंड मेंशन किया हुआ तो कुछ नेटिव्स और ये जो बाहरी कंट्रीज हैं यहाँ पे लोगों के रेट्स वैसे भी हाई होते हैं ना क्योंकि उनका वेज रेट ज्यादा है, उनका मिनिमम वेज रेट वहाँ पे तो थोड़ा सा फिर वेरी करता है, एशियंस के रेट्स थोड़े से कंपेरेटिवली लो होते हैं, तो आप अपने स्किल बेस पे और अगर आप वहाँ का एड्रेस है वहीं एज अ वहीं के नेशनल आप शो हो रहे हो वहाँ पे तो फिर आप अपने रेट उसके अकॉर्डिंग ही रखें क्योंकि आपने उसी मार्केट में कम्पीट करना है, थोड़ा बहुत कम कर लें बस। अली डाउन देम ऑल एक एक्सटेंशन है वो भी आपका डाटा स्क्रैप करती है, उसके बाद लिंक्डइन हेल्पर है लेकिन वो लिंक्डइन के लिए है, फिर जी स्क्रैपर एक है वो भी यूज किया जा सकता है, फिर एक है आईसी आईसी लाइसेंस के नाम से मेरा ख्याल है वो एक है आईसी स्क्रैपर कोई इस तरह से नाम है उसका, वो भी है लेकिन वो पेड है। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम हेलो, सलाम वालेकुम, वालेकुम जी। सलाम वालेकुम सर, वालेकुम सलाम, क्या हाल है। सर मैंने यही पूछना था कि हम कंटेंट राइटिंग की जब करते हैं तो वहां पे एक्सटर्नल लिंक्स ऐड करते हैं, जी, वो उसका भी इससे कोई तल्लुक है? मतलब उस जो हमने लिंक ऐड करने होते हैं उसकी भी डोमेन 30 पेज 30 TTC चेक करने की जरूरत होती है, ऐसे ऐड करने होते हैं वो, मतलब जो रिलेटेड एक्सटर्नल लिंक्स जी होते जाहिर हैं? बात है अच्छी ना, अच्छी साइट से करोगे बिल्कुल ऐसे ही करोगे, किसी लो क्वालिटी साइट को नहीं देने आपने, अच्छी साइट को देने हैं तो आप तो ज्यादातर विकिपीडिया या कोई बहुत अच्छी साइट उस फील्ड की है या पेज वन पे जो रिजल्ट्स रैंक हो रहे हैं किसी कीवर्ड के लिए ज्यादातर उनको ही दे रहे होते हैं, तो जो रैंक हो रहे हैं फर्स्ट पेज पे मोस्ट प्रोबेबली ठीक है वो, लेकिन आप साथ मजीद अगर चेक करना चाहो तो उनकी भी थॉर्टी स्टैट्स चेक करने के बाद उसको ऐड कर सकते हो, तो मैटर करता है ये यस चीज़ सर। भी। तो सर हमें आप जिस तरह बात कर रहे थे कि एक्सटर्नल लिंक्स, बैक लिंक्स, सर बैक लिंक्स यही होते हैं कि हमारी जो वेबसाइट है उसके जो है दूसरी साइट्स के ऊपर जो लिंक्स कितने हाँ पड़े हुए हैं, जी, यही चीज़ वो होती है? हमने उनको बैक लिंक दिया हुआ है बिल्कुल, हमने उनके लिंक लगाए हुए हैं तो उनके उनके लिए हमारी साइड से एक बैक लिंक जा रहा। ठीक सर, हमने दूसरी साइट्स के ऊपर लिंक्स जो होते हैं वो अपने देने होते हैं कि मतलब ये मेरी वेबसाइट का लिंक है, आप मतलब उसको उनको सेल कर उनसे कहें कि पैसे ले लें हमारा लिंक करें इसको पब्लिश कर दें, ये सब चीजें? डिफरेंट वेज हैं ब्लॉग आउटरीच और गेस्ट पोस्ट, एक मैंने बिजनेस पॉइंट लिखा होगा मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा ना तो ये चीजें वो क्लियर हो जाएंगी, और बाकी जो ज्यादातर लिखे हुए हैं उसमें हम हमारे लिंक खुद ही लग जाएंगे,
तो जिसमें हमें दूसरों से लेना पड़ता है, डिपेंड करता है, आप उसको लिंक देते हैं, उसको पूरा आर्टिकल लिख के देना पड़ता है, सिर्फ लिंक देना पड़ता है, क्या करना पड़ता है वो डिपेंड करता है, निगोशिएशन पे है, कितनी प्राइसिंग लगेगी, फ्री में मिलेगा, पेड मिलेगा, उनके जितने भी उसके हैं मैकेनिज्म, कैसे फ्री लेना है, कैसे पेड लेना है, वो इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। सर ब्लॉग पोस्ट जिस तरह होती है या आर्टिकल जिस तरह होते हैं उनके नीचे कमेंट सेक्शन तो मोस्टली होता ही है, आप कमेंट्स में भी कर सकते हैं, कमेंट में कर सकते जी हैं। मैंने वो आगे, अगर आपने देखा है तो मैंने ब्लॉग कमेंट्स का पूरा कैटेगरी डाली हुई है, उसके अंदर कर सकते हैं अच्छा ठीक है, ब्लॉग ठीक हो कमेंट्स, वो गया, भी करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है सर, थैंक यू, ठीक वेलकम है, वेलकम, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ सर। शाहनवाज आपका तो हो गया ना, बात होगी मेरी मेहरबान में। नहीं सर, मेरी अभी नहीं हुई। अच्छा पहले पहले कौन थे सर? जी क्या चाल है आपके? अलहमदुल्ला अल्लाह का शुक्र सर, आप सुनाएं कैसे हैं? ठीक ठाक। सर मैंने आपको रात टेक्स्ट किए थे, शायद बिजी थे आप, तो उस वक्त मेरे पास एक क्लाइंट आया हुआ था, अच्छा रिप्लाई किया नहीं मैंने सुबह सुने ना? आपको? जी हाँ सर, जी सुबह सुबह रिप्लाई किया आया, मैंने आपको। सुबह आपने अच्छा ये कहा कि मैं जो वीडियो है वो मैं शेयर करूंगा अभी, तो अभी सर कुछ चले, बाकी आप वीडियो कर देंगे सेंड तो मैं देख लूंगा वो भी, तो थोड़े से कुछ मेन क्वेश्चंस हैं वो, अगर उसका रिप्लाई कर दें। जी, उधर उधर पूछना है कि यहाँ पूछना है, सर जैसे आप कहें। देख लें, हमने अभी पूछने भी पूछ लें, अगर वहां चीजें भेजी हुई हैं, उसकी डिटेल्स भेजी हुई हैं तो वहां पे कर दूंगा। सर नहीं, अभी वहां तो नहीं भेजी। खैर सर, ये है कि उसकी शोपीफाई की ना वेबसाइट है, शोपीफाई पे बनी हुई है, तो हमने तो ये वर्डप्रेस पे किया है, तो उस मैं समझा था शायद वो भी इसी वो तरह इसी तरह की होगी, तो मैंने इससे इजी है, इससे इजी है, वहां पे आपको प्लगइन नहीं करना पड़ता मेटास के लिए, वहां पे काफी चीजों के लिए आपको कोई काम नहीं करना पड़ता, तो वो इससे इजी है, आप वो सही कर सर लें। उसका सर इंटरफेस ओपन किया उसने। सर एक्चुअली ना ये मुझे किसी ने दिया था, क्लाइंट दोस्त है, डेवलपर है, तो उसने सर दिया था, तो वो ये डायरेक्ट मिला, डायरेक्ट जी सर मिला आपको? नहीं सर डायरेक्ट नहीं मिला उसने सर, अपने अभी तो अपने थ्रू ही वो उसने ना दिया है, तो मैं कोशिश ये कर ठीक रहा हूँ कि उस क्लाइंट से मेरी बात हो, क्योंकि वो एक्चुअली जो लड़का है वो सर डेवलपर है, कोडिंग प्रोग्रामिंग वगैरह करता है, तो ये काम जो है उसका वो है ई कॉमर्स का, उसकी एक ये शोपीफाई स्टोर है, उसका सेकंड नंबर पे ठीक है, वॉलमार्ट है और अमेजोन है, तो मैं अभी सर आपको सही हो गया, अभी आपको शॉपिंग में इशू आ रहा है। सर अभी उसने ना सबसे पहला मुझे जो काम दिया वो ये दिया कि मुझे ना ये शोपीफाई स्टोर पे ना मेरे सर जो सेल चैनल्स होते हैं इंटीग्रेट करके दो, कौन से, फेसबुक वगैरह सर फेसबुक पिंटरेस्ट पिक्सल वगैरह और ये सर ये चीजें जो, करना है उसका? मेरी सर वो मेरे ख्याल से ऑलरेडी ऐड है, लिंक करना सर उन्हें। मेरी बात ने काम करो, बाकी बाकी एक तो थोड़े लोग रह गए हैं, लेकिन जो रह गए हैं वो बड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे, मुझे आप उधर बात करो, शायद ये मैं सर ऐसी इसलिए कह होगी रहा था कि आप वहीं पे अगर फ्री हैं तो आप ये काइंडली। ना करो, वो जो थोड़ा बहुत समझ आया वो खत्म, मुझे फिर आप मुझे ठीक वहीं है सर, वहीं ठीक वहीं भेजो, वहां करते हैं बात। चले आ जाए सर, थैंक यू सर, ओके अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। चलें जी अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह ताला कल बात होती है, प्रोफाइल लिंक्स बना लें और बाकी इसको इंशाल्लाह कल से आगे लेके चलेंगे। थैंक यू सो मच।